साउंड नहीं आ रही है। आई थिंक वंदना प्लीज अब चेक करना क्या अब साउंड आ रही है। ओके ओके सो आज देखिए जो हमारा मॉक टेस्ट है ये 10th नंबर वाला है ना। जो 9 है वो हमारे ऑलरेडी हो चुका है। ओके अब ठीक है ना। ओके तो आज है 10th, ठीक है, जिसमें कि अभी जो सेशन रहने वाला है वो हमारा हिमाचल जीके का रहेगा, जिसमें हम 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। गुड आफ्टरनून स्नेह। सो 30 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चंस प्रीवियस वाले भी है, ठीक है, उसको हमने मैंने एंड में डाला है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस वाले सेशंस में किए हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस है उनका जो है आप प्रॉपरली अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्री वैदिक एरा हु वर इनहेबिटेंट्स ऑफ द शिवालिक हिल। पूर्व वैदिक युग के दौरान शिवालिक पहाड़ियों के निवासी कौन थे? दूरसा, दरोश, दास या फिर नन ऑफ दी एबव। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर, ठीक है, देखो टीजीटी में आपको वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपको जस्ट आने चाहिए, है ना। सो सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, वो है सी, दासास, ठीक है, दासास इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। इनको और किस किस नाम से जाना जाता था? दासास को और किन किन नामों से जाना जाता था वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन डैश एरिया किन्नर इज कॉल्ड अ मोन, ठीक है, कौन से एरिया में जो किन्नर ट्राइब है उनको मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो किन्नर ट्राइब्स है, ठीक है, इनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट बोला जाता है, ठीक है, कहीं पे मोने, कहीं पे खुन्नू, है ना। तो जो मोन है, ठीक है, वो कहाँ पे बोला जाता है? कुल्लू, ले, चंबा या फिर नन ऑफ देम। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, क्या होगा सेकंड का? देखो सेकंड में बहुत सारे मिक्स्ड आंसर मुझे मिल रहे हैं, सी, डी, बी। सेकंड का नेहा ने ए आंसर किया है। ओके क्या होगा फाइनली, कौन बताएगा मुझे क्या आंसर होना चाहिए इसका? जो ले है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ले, ठीक है। ले में किन्नर्स को मोने बोला जाता है, मोन बोला जाता है, ठीक है, MON, MAON, ठीक है, तो इसको आप याद रखना, ठीक है। अगर आई होप इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है तो इसको नोट कर लेना कि, और इसको पढ़ भी लेना, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो वहां पे आपको ये चीज मिल भी जाएगी, ठीक है। स्वांगला बुद्धिस्ट बिलोंग्स टू द डैश सेक्ट। स्वांगला जो ट्राइब है वहाँ के जो बुद्धिस्ट है, ठीक है, वो कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं? गेलुगपा, हिनायाना, गेफांग या फिर नन ऑफ द एबव। स्वांगला जो बुद्धिस्ट है वो कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं? क्या होगा थर्ड का आंसर? थर्ड का आंसर, देखो मैंने सेक्ट पूछा है, गेफांग तो उनके देवता है, ठीक है, सीस का आंसर नहीं है, जो सीस का आंसर कर रहे, सीस का आंसर नहीं है। देखो सेक्ट पूछा है, जो गॉड है गेफांग तो उनका देव, जो गॉड है उनके नाम है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? गेलुगपा, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो गेफांग है ये इनके गॉड है, ठीक है। आई होप कि इसमें जो कंफ्यूजन था आपका क्लियर हुआ होगा, इसीलिए जिसका करेक्ट आंसर वो क्या है? गेलुगपा, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन तो प्लीज आप मेरे को चैट बॉक्स में वो डाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, शाम्भर एंड हिज एली डैश वर किल्ड एट अ प्लेस कॉल्ड उदुबराज, वर्ची, उदिम्मा, पृथ्वी, नन ऑफ देम। शाम्भर और उसके सहयोगी को उदुबराज नामक स्थान पर मार दिया था, ठीक है, वो फ्रेंड का नाम बताना है, फ्रेंड का नाम बताना है। फोर्थ का क्या आंसर होगा? फोर्थ का क्या आंसर होगा? देखो इसमें शाम्बर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी जो आंसर है वो ए कर रहे हैं,
यानी कि वर्ची, वर्ची करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो शाम्बर और वर्ची को, ठीक है, उद्धुभराज भी आपको ध्यान में रखना है कि कभी ये भी पूछते हैं कि शाम्बर और उसके जो वर्ची है उनको कहाँ पे मारा गया था, तो उस प्लेस का नाम भी पूछा जाता है, तो वो है आपका उद्धुभराज। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। मैक्सिम सभी ने इसका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक दिया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डोगरी इज अ टाइप ऑफ मैरिज बाय एक्सचेंज इन डैश ट्राइब, पंगवाल, खामपा, लाहौल या फिर नन ऑफ देव। ठीक है, आपने देखो जो हमारा अभी तो हमीरपुर बोर्ड है नहीं है अब, ठीक है, अभी तक बैन है, लेकिन जब भी आपने हमीरपुर बोर्ड की एग्जाम दोगे तो वहां पे नन ऑफ देव एक एक ऑप्शन आपको हमेशा देखने को मिला होगा, है ना, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक है, इसलिए आज के सेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको नन ऑफ देव मिलने वाला है। क्या होगा इसका आंसर, फिफ्थ का आंसर क्या होगा, पंगवार, खांबा, लाहौल या फिर नन ऑफ देव। फिफ्थ का सचिन शर्मा ने इसका डी दिया है, डी नहीं, इसका आंसर है पंगवार। डोगरी जो है वो मैरिज बाय एक्सचेंज है पंगवालों की, ठीक है, पंगवाल ट्राइब। कहाँ होती है पंगवाल ट्राइब, गद्दीज में होती है, गद्दीज में नहीं होती है सचिन, गद्दीज में नहीं होती है डोगरी, गद्दीज की तो वो होती है जिंद फुक होती है, ठीक है, बट्टा सत्ता होती है, ठीक है, ये पंगवाल्स की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बलसन स्टेट, बलसन स्टेट को किसने फाउंड किया था, अलक सिंह, अजीत सिंह, अरुण सिंह या फिर नन ऑफ द एबव। हाँ जी बताओ, अमिता शर्मा, अलक सिंह, ओके, अरुणा बी, अजीत सिंह नहीं है इसका आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या इसका आंसर, अलक सिंह। ठीक है, अलक सिंह ने बर्सन को फाउंड किया था। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स बिटवीन कांगड़ा एंड चंबा, कांगड़ा और चंबा, ठीक है, कांगड़ा और चंबा के बीच में कौन सी धार है, बालिन धार, हाथी धार, सुई धार या फिर नन ऑफ दी एबव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कौन सी धार है। सेवेंथ का क्या आंसर होगा, सेवेंथ का बी, हाथीदार। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आप सभी ने बिल्कुल ठीक दिया है, तो बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, इन विच ईयर डिड महमूद गजनी अटैक्स नगर कोट, 1009 AD, 1043, 1001 या फिर नन ऑफ दी एवर। महमूद गजनी ने किस वर्ष नगर कोट पर आक्रमण किया, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। ए, ठीक है, तो वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया है, 1009। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर नाइन, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेट अप अ टी गार्डन इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, डॉक्टर जेम्सन, डॉक्टर री, डॉक्टर ब्रेड या फिर नन ऑफ दी एवर। कांगड़ा जिले में चाय बगान स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, क्या होगा इसका आंसर, कौन बताएगा। नाइन्थ का क्या आंसर होगा, सी ए या सी, देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नाइन्थ में मेरे को दो तरह के आंसर्स मिल रहे हैं, ए और सी, तो फाइनल आंसर कौन बताएगा, क्या होगा इसका आंसर, ए होगा या सी होगा। अब मुझे मैक्सिमम ए देखने को मिल रहे हैं, ओके, तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर जेम्सन, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, एट विच प्लेस महाराजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा
यूज टू होल्ड हिज कोर्ट ड्यूरिंग समर्स। कांगड़ा के महाराजा संसार चंद गर्मियों के दौरान किस स्थान पर अपना दरबार लगाते थे? टीरा, महल, मोरियन, नदौन या फिर ननौतेवा। ये किसको आता है, इसका आंसर किसको आता है, किसी ने पढ़ा है इसको? क्या होगा 10th का, किसी ने इसको पढ़ा है? देखो तुक्का नहीं लगाना है, किसी ने इसको, किसी ने इस क्वेश्चन को पढ़ा है? सचिन ने इसको स्किप करा है। ओके, अरुणा ने इसका आंसर सी दिया है, नदौन। ओके, अमिता, अमिता शर्मा भी सी आंसर कर रही है, वंदना भी, क्षितिज। नहीं पढ़ा है, ओके, नेहा ठाकुर स्किप कर रहे हैं ना, तो लेकिन जिन्होंने इसका आंसर सी दिया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जिन्होंने इसका आंसर सी दिया है, नदौन, वो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो आपने कहाँ पढ़ा ये क्वेश्चन, कौन बताएगा मुझे, कहाँ पे देखा है आपने ये क्वेश्चन? क्योंकि ये जनरली आपके किताबों में नहीं है। ईश्वरी सेन को, ईश्वरी सेन को क्या किया था? ठीक ठीक है जी, तो सी इसका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, जिन्होंने इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन विच डेट धामी फायरिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस। धामी गोलीबारी त्रासदी किस तारीख को हुई थी? ये भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अच्छा, किडनैप, इसका आंसर क्या होगा? इसका बिल्कुल आंसर ठीक मिलना चाहिए मुझे, कोई इसका आंसर गलत नहीं देने वाला, क्योंकि ये तो बी, 1939। ठीक है, अच्छा दो तीन मोमेंट्स और पूछती हूँ आपसे। पझौता कब हुआ था, पझौता मोमेंट कब हुआ है? ठीक है, ये तो सभी ने 11th का जो है मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल ठीक दे दिया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। पझौता मोमेंट कब हुआ है, कौन बताएगा? सौरभ कुमार, 1942। ओके, 1946 नहीं अरुणा, 1942। ठीक है, 1942 में पझौता हुआ है। मंडी कॉन्स्पिरेसी कब हुई है, मंडी कॉन्स्पिरेसी कब हुई है? 1942 को पझौता हुआ है, ठीक है, और मंडी कॉन्स्पिरेसी, सचिन शर्मा 1939 में क्या लिख रहे हो आप? 1914 किसी ने लिखा है, ठीक है, 1914-15 को मंडी कॉन्स्पिरेसी हुई है, मंडी कॉन्स्पिरेसी, सौरभ कुमार 1914 और 15। ओके ठीक है, चंबा सेवक संघ कब बना, चंबा सेवक संघ कब बना? हाँ जी, जो धामी है ये तो ठीक है, ये तो आपका 16 जुलाई 1939, ये ठीक है आंसर आपका। ठीक है, पुझौता 1942, मंडी कॉन्स्पिरेसी 1914-15 में, और चंबा सेवक संघ 1936 में, 1936 में, चलो ठीक है, ठीक है जी, इसका है बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द हेड क्वार्टर ऑफ कुनिहार ठकुराय वॉज एट हार्टकोट, कुठार, बगाट या फिर नैन ऑफ सेवक, कौन बताएगा इसका आंसर? ये भी किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? सौरभ ने सबसे पहले आंसर दिया है हार्टकोट। ओके, कोई इसका आंसर सी भी दे रहे हैं, शिल्पा ने सी दिया, ए सी बी, स्ने ताल कांग्रेस 1927। हाँ जी ठीक है, इसका क्या होगा 13th का बताओ, अब 13th का क्या आंसर होगा? 13th का सबने बहुत ज्यादा मिक्स, देखो जिसने हार्ड कोड आंसर किया है या फिर जिसने ए आंसर किया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ए इसका करेक्ट है। देखो कुनिहार को हार्ड कोड के नाम से भी जाना जाता है, अगर कभी पेपर में कुनिहार का ओल्ड नेम आता है तो आप उसको हार्ट कोट, अगर वहां पे ऑप्शन में है तो वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, हार्ट कोट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल वॉज डिक्लेयर्ड इंडिया सेकेंड ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट इन। ये क्वेश्चन लास्ट सेशन देखो हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, है ना, ड्यू टू नेटवर्क इशू, है ना, कुछ इशू आ गए थे जिसमें कि आपको इस क्वेश्चन की जहाँ चार पांच बार ऑप्शंस मिल गई थी, हिंदी में कुछ और थी, इंग्लिश में कुछ और थी, है ना, तो क्या होगा इसका फाइनल आंसर, कौन बताएगा? 13 का क्या होगा फाइनल आंसर? मे बी आपको कोई कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं फिर से इसको लेकर आई हूँ,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि कोई कंफ्यूज प्लीज, मैंने 2016, ठीक है जी, वेरी गुड। ठीक है, अब है 14, व्हेन डिड जी टी विग्ने विजिटेड बिलासपुर? जी टी विग्ने ने बिलासपुर को कब विजिट किया? एटीन ट्वेंटी एडी, 1835 एडी, या फिर 1842? क्या होगा इसका आंसर? 1835, सौरभ कुमार। ठीक है, सभी मैक्स सभी इसका आंसर ठीक दे रहे हैं। देखो, ए जो आंसर करना है, ए नहीं है इसका। 1820 में कौन आया था? 1820 में, 1820 कहीं पे आपको 1822 देखने को मिलता है, वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, देखो कुछ ये जो ट्रैवलर्स है, ठीक है, जैसे हमारा जी टी विग्ने है, मूरक्राफ्ट है, थेवेनॉट है, ठीक है, इनको रट लो क्योंकि कभी ना कभी पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हार्डली आपको 6 to 7 है, इससे ज़्यादा नहीं है, इनको रट लो एक बार कि ये कब कब आए हैं। मूरक्राफ्ट आए थे आपके 1820, कहीं पे 1822 देखने को मिलता है। तो इसका जो इसने बी आंसर किया है 1835, वो बिल्कुल ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, राम बुलेट एंड स्पेनिश मेरिनो राम आर वेराइटीज ऑफ शीप, काउ, गॉट, या फिर गोट, या फिर नन ऑफ दी अबव? क्या होगा इसका आंसर? किसकी किसकी किस में है ये राम बुलेट और स्पेनिश मेरिनो? भेड़, गाय, बकरी, किसकी है ये? सी, कोई शीप इसका आंसर दे रहा है, कोई ए और सी में कंफ्यूजन है। भेड़ और बकरी में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? भेड़ और बकरी में डिफरेंस होता होगा ना, शीप की है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है, शीप, ठीक है, भेड़। ठीक है जी, ए इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच मुगल एम्परर असाइंड शेर अफगान टाइटल टू मानचंद सिंह ऑफ पुलेर? ठीक है, मुगल एम्परर ने, कोई मुगल एम्परर है जिसने मानचंद, जो गुलेर का राजा था, उसको शेर अफगान बोला है। ठीक है, गुलेर के राजा मान चंद को शेर अफगान बोला है किसी मुगल एम्परर ने। क्या नाम है उनका? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, या फिर नन ऑफ दी अबव? रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार पेपर में। क्या इसका आंसर? बी है ना, वेरी गुड, सभी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, शाहजहां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, हु ऑथर्ड द बुक नेम्ड हिस्ट्री ऑफ बल्सन स्टेट? रण बहादुर सिंह, वाई परमार, रणजोर सिंह, या फिर नन ऑफ दी अबव? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? बल्सन राजा के इतिहास किसे लिखी है, किसी को पता है 17th का क्या आंसर है? वेरी गुड, अरुणा, सचिन, निशु, सौरव, सुमन। ठीक है, आप सभी ने बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर दिया है, रण बहादुर। ठीक है, रण बहादुर सिंह इसका करेक्ट आंसर है, तो ए इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द राजा ऑफ बिलासपुर हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वायसराय ऑफ सर हिंद वॉज? राजा मेघचंद, राजा ज्ञानचंद, राजा संपूर्णचंद, या फिर राजा रतनचंद? बिलासपुर के राजा जिसने सर हिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपनाया था, है ना, क्या नाम था उनका? बिलासपुर के राजा थे ये, क्या नाम था इनका? ज्ञानचंद, हो यस, ज्ञानचंद, या फिर ज्ञान, या फिर अयाम, कहीं पे आपको अयाम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अयाम चंद। ठीक है, इनके आगे तीन बेटे थे, है ना, तीन बेटे में से दो ने क्या किया था, इस्लाम को अपनाया था, और एक जो बेटा था जिसका क्या नाम था, बीकचंद, ठीक है, उसने इस हिंदू वो उसने हिंदुज्म को फॉलो किया था। बाकी जो दो थे उन्होंने इस्लाम को, भीम और राम आई थिंक उनके नाम थे, जिन्होंने इस्लाम को फॉलो किया था। ठीक है, 19th, इस क्वेश्चन में भी शायद उस दिन डाउट था, है ना, क्योंकि इसकी जो ऑप्शंस थी वो थोड़ी सी मिक्स्ड हो गई थी,
मैम आपने कौन सी बुक, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है क्षितिज, बताई थी। देखो मैंने आपको, अगर आप स्पेसिफिकली टीजीटी के लिए पढ़ रहे हो, सिर्फ टीजीटी के लिए बोल रहे हो, अगर आप एचएस की तैयारी कर रहे हो, एलाइड या फिर ना एनटी की तैयारी कर रहे हो, देखो तब आपको बलोकरा को पढ़ना पड़ेगा, है ना। बाकी जो अदर एग्जाम्स है उसके लिए अगर आप, हिमाचल दर्पण एक बुक आती है ना आकाश पब्लिकेशन की, वो बहुत अच्छी बुक है, जो न्यू एडिशन है उसका, उसको आप पढ़ सकते हो। उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें मेंशन है, आप वहाँ से उसको, वहाँ से जैसे टीजीटी है उसके लिए वो मोर देन सफिशियंट है। क्या होगा इसका आंसर? देखो मैं लास्ट सेशन में भी इसको लिया था, आप लोगों ने मतलब घर जाके देखा नहीं इसको, है क्या होगा इसका आंसर? ए है ना, टीजीटी के लिए ही ना, तो आज वो हिमाचल दर्पण पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे ना ये डिग्री है, इसको ऐसे मत सोचना, ये डिग्री है, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ये एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है तो इसको एक बार देख लो, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसको ढूंढ लो कोई तरीका इसको लर्न करने का, ठीक है। कभी पूछ लिया जाता है ये पेपर में, तो ए इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, शिवालिक हिल्स वर नोन एज डैश इन हिमाचल प्रदेश। शिवालिक हिल, अब इसमें भी कंफ्यूजन हो गया था हमें, है ना, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार एंशियंट लिख दिया था, ठीक है। तो एंशियंट जब लिखते हैं तो आपके पास सिर्फ क्या आएगा, मैनाक पर्वत, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे एंशियंट नहीं है, आपसे यही पूछा है कि शिवालिक वर नोन एज, तो आपको आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्या पूछा गया है पेपर में, क्योंकि पिछली बार किसी बच्चे ने पॉइंट आउट किया था, तो इसलिए उसको क्लियर करने के लिए मैंने इसको फिर से लेके आई हूँ। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी जब इनमें एंशियंट नहीं है तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दी एवर। क्वेश्चन नंबर 21, इसका क्या आंसर होगा? अब आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो हमने प्रीवियस, ठीक है, अभी जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो हमने ऑलरेडी किए हैं, तो ये तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, है ना। हाँ जी, तो ये इसका क्या आंसर होगा? 21 का आंसर जलाल किसकी है? गिरी की, आंध्रा, बब्बर की, टेम्पो, स्पीति की, पंतगिरी, रावी की। डी, देखो अभी भी कोई एक बच्चा है जिसने सी आंसर दिया, तो सी नहीं बेटा, इसका आंसर इसका क्या है? डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच राजा चेंज द सैल्यूट टू जयदेवा, जय देवा टू राजा, जय जय टू मियाँ एंड राम राम टू राणा। क्या नाम था, क्या नाम था उस राजा का? 22nd का सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्या होगा इसका आंसर? 22nd का दीप, ठीक है, सपने दीपचंद, ठीक है। दीपचंद को किसने मारा था? दीपचंद को किसने मार दिया था? उस राजा का क्या नाम था, है ना, कांगड़ा के किसी राजा ने जी दीपचंद को जहर दे के मार दिया था, आई थिंक। क्या कुछ आइडिया है आपको स्टोरी से रिलेटेड? कुछ पढ़, किसी ने कुछ पढ़ा है? चंद्रभानचंद, ठीक है ना, कहीं पे चंद्रभानचंद लिखा है, कहीं पे कल्याण लिखा है ना। हाँ, इसमें भी कंफ्यूजन है, देखो कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें कंफ्यूजन है। देखो अरुणा ने कल्याण चंद है, तो किसी बुक में कल्याण भी मेंशन है, ठीक है, कहीं पे चंद्रभानचंद भी मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 23, द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन रिटन इन विच स्क्रिप्ट। इसमें भी लास्ट टाइम बहुत बच्चों को डाउट था, तो क्या आंसर होगा इसका? कौन बताएगा क्या आंसर होगा इसका? आई होप कि आज किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चंबा से रिलेटेड जब भी स्क्रिप्ट आएगी वो मैक्सिमम आपकी टांकरी में ही है, ठीक है। तो सी जो है वो आपका बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द फर्स्ट नेगी ऑफ लाहौल अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। हाँ जी बताओ इसका क्या आंसर होगा?
24th का आंसर क्या होगा? 24th का ठाकुर ताराचंद, बलिराम, आमिर चंद या फिर खुशाल चंद। तो ये भी देखो प्रीवियसली सेशन में मैंने लिए है ये। इसमें देखो मिक्स्ड आंसर मिल रहे हैं। जो आंसर सी दे रहा है वो गलत है और जो बलिराम आंसर कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। बलिराम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बलिराम ठीक आंसर है इसका। ठीक है, इसको क्योंकि ये भी पेपर में पूछा जाता है ध्यान रख रहे इसको। अमरचंद नहीं, बलिराम है इसका आंसर। ठीक है, शान एंड चंबू डांसेस आर मेनली एसोसिएटेड विथ विच रीजन ऑफ द हिमाचल प्रदेश? पालमपुर, रामपुर, लाहौल या फिर ऊना। क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, ये तो बहुत जल्दी जल्दी होने चाहिए। लाहौल। ठीक है, सभी ने इसका आंसर लाहौल दिया, तो क्या होगा इसका आंसर? सी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? ये कैंटोनमेंट गिवन है, ठीक है, और उनके प्लेसेस गिवन है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? पहले भी हमने किया है तो इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कहाँ है सुबाथू? सोलन में है। ठीक है, इसलिए जो सी है वो गलत है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ शिमला पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर? शिमला पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के ऑथर कौन है? यस, सचिन सुबाथू इज इन सोलन। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? ए जी बक्स। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसको जिसको जो भी, देखो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, जो ये सेशंस होते हैं है ना, 30 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैक्सिमम बच्चों के, मतलब कि 20 तो ठीक होते ही होंगे है ना, 20 क्वेश्चन तो उसको आते ही होंगे। जो आपको 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन जो नहीं आते हैं उनको नोट कर लिया करो। ठीक है, उनको नोट कर लिया करो क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फिर बार उनको देख लिया करो, हफ्ते में 2-3 बार देख लिया करो, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, द गद्दी ट्राइब केम फ्रॉम दिल्ली टू भरमौर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राजास ड्यूरिंग 780 AD? क्या होगा इसका आंसर? राजा सुशर्मा, राजा साहिल वर्मन, राजा कहरी सिंह या अजय वर्मन। क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर है डी, ठीक है, अजया वर्मन। ठीक है, पहले भी हमने किया है तो आई थिंक इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज सेट अप? हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति और भाषा एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? क्या होगा जिसका आंसर? 29th का आंसर क्या होगा? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो फिर से गलत हो रहा है बहुत सारे बच्चों का। क्या होगा है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया फिर से। हाँ, बी होगा या सी? देखो इसमें तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन है, इवन कि इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। क्या होगा इसका आंसर? 1984। अब देखो जैसे आपको ये नहीं पता है तो आपने क्या करना है कि इसको कर लो नोट डाउन कहीं पे, कुछ एक नोटबुक बना लो, जब भी आप इस तरह के सेशंस अटेंड करते हो तो उनको लिख लिया करो एक नोटबुक में। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, डैश वैली लाइज बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंज? डेमी वैली, बड़ा बंगाल वैली, स्वान वैली या फिर अमला या फिर बिमला। ओके जी, ओके अरुणा, क्या होगा इसका आंसर? ठीक
ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं तो आप सेशन को लाइक भी क्या करो, है ना। जो से इसका आंसर है बड़ा बंगाल वैली, सभी को पता है बड़ा बंगाल वैली आपकी कहाँ पर है, पीर पंजाल और धौलाधार बीच के बीच में है। बड़ा बंगाल वैली जो है आपकी ये कांगड़ा का पोर्शन है, ठीक है, और ये टच करता है आपका लाहौल के साथ, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, अभी आपका नेक्स्ट सेशन रहेगा रूपाली मैम के साथ, तो स्टे ट्यून्ड जब तक उन्हें आते हैं, और तब तक आप एक काम कर सकते हो कि सेशन को लाइक कर सकते हो, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपने नहीं, जिनके आंसर्स ठीक दिए, आप उनको रिवाइज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। अभी आपने रचना मैम से एचपी जीके की क्लास लगाई है, अब हम जनरल स्टडीज की क्लास करने जा रहे हैं। क्या आप सभी को मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ? यस, जस्ट कंफर्मिंग। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। द रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर प्रमोटेड विच लैंग्वेज। हाँ जी, जो विजयनगर एम्पायर है हमारा, किस कौन कौन सी लैंग्वेजेस को जो है ये प्रमोट करते थे। विजयनगर एम्पायर जो हरिहर और बुक्का के द्वारा स्टेब्लिश किया जाता है, विजयनगर और भावनी किंगडम ना आप हमेशा इकट्ठे याद रखें। इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि डेक्कन में विजयनगर और भावनी किंगडम जो है एक ही टाइम पर 13th-14th सेंचुरी के दौरान एस्टेब्लिश किए गए थे, जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पर था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली सुल्तान का जब यहाँ पर शासन हुआ करता था, पर्टिकुलरली मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जो है ये एस्टेब्लिश हुए थे विजयनगर एम्पायर। डन। अब यहाँ पर आप देखेंगे तमिल लिटरेचर, तेलुगु, कन्नड़ वाला जो रीजन है, वो लोग जो हैं
तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा जो है ये बोला करते थे, और बहुत सारे हमारे जो टेक्स्ट हैं सदरन पार्ट के वो इसी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में है। इसलिए आंसर क्या बनेगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली पेयर्ड। अब यहां पर आपको क्या बताना है, एक साइड पर आपको पर्सनालिटी का नेम दिया हुआ है, ठीक है, कृष्णदेव राय, हर्षवर्धन, कालिदास, विशाख दत्त, ये कौन है, ये इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स है आपके हिस्ट्री में से, और ये है उनके द्वारा रचित हुई कुछ ना कुछ पोइम्स हो गया, बुक्स हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बताना है इनकरेक्टली कौन सा है, मतलब सही कौन सा नहीं है। कृष्णदेव राय ने अमुक्ता मल्यदा लिखी है, हर्षवर्धन ने नागनंदा, कालिदास ने ऋतु संहा और विशाख दत्ता ने किरत अर्जुनियम। हां जी, कौन सा गलत है आपको ये बताना है। यू हैव टू फोकस ऑन द नेगेटिव, जो रॉन्ग है कौन सा है वो। देखो तीनों बिल्कुल सही है। कालिदास तो वेल नोन पोइट है ना, लेखक है कालिदास, ऋतु संहार हो गया, मेघदूत हो गया, राइट, अभिज्ञानम शकुंतलम हो गया, विशाख दत्ता का मुद्रा राक्षस एक्सेट्रा हो गया, लेकिन ये जो कीर्तन अर्जुनियम है ये इसने नहीं लिखी। ये किसने लिखी है फिर, ये लिखी है बाय द भारवी, एक भारवी के द्वारा लिखी गई है। ये पर्टिकुलर बता रही कीर्ति अर्जुनियम, अर्जुन, अर्जुन आप सभी को पता है पांच पांडवों में से है अर्जुन। अर्जुन ने जब तपस्या करी थी और शिवजी जी से ना वरदान स्वरूप जो एक शस्त्र उन्होंने ग्रहण करा था उसके ऊपर ये पोइम जो है लिखी गई है। डन, किसके द्वारा, भारवी के द्वारा। ये भी 6th century BC की बात है जब ये पोइम लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर हम आ गए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स ब्रॉट अबाउट द फॉल ऑफ सैयद ब्रदर्स। अब ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न है आपका लेटर मुगल्स से, जब औरंगजेब के बाद वीक मुगल शासक आने लग गए थे ना, तब से ये प्रश्न है आपका कि सैयद ब्रदर्स को किसने मारा। सिंपल सा अर्थ क्या है, सैयद ब्रदर्स को किसने मारा आपको ये बताना है। यस, बहादुर शाह 1, रफीउद्दौला, शाहजहां 2, मोहम्मद शाह। यस एवरीवन, कहाँ गए सभी, उत्तर दें। एक्चुअली सभी कितने लोग देख रहे हैं लेकिन उत्तर यहां पर कोई नहीं दे रहा, क्या हो गया सभी को। यस, देखो आपको आंसर आता हो ना आता हो दैट्स नॉट मैटर, लेकिन आप आंसर देने की कोशिश जरूर करें। इससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट दिमाग में देगा कि मैंने ये आंसर दिया था, गलत दिया था, सही दिया था, वो मायने नहीं रखता, वो तो आप अभी जान ही लोगे कि कौन है कौन नहीं है ना। अब सैयद ब्रदर्स ने पता क्या करा था, अपनी ओर से फारुखसियार, रफीउद्दौला, रफीउद्दराजत, ये तीनों शासकों जो बने थे ना मुगल एम्परर के, ये तीनों के तीनों सैयद ब्रदर की मदद से ही बने थे। बाद में जब मोहम्मद शाह बनता है ना, रंगीला जिसे हम कहते हैं, जिसके टाइम पर फॉरेन इन्वेडर्स भी हम देखते हैं, उसके टाइम पर जो है इसने क्या करा था, इसने सैयद ब्रदर्स को मार दिया था मोहम्मद शाह ने। डन, मोहम्मद शाह इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नासिक इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ। नासिक इंस्क्रिप्शन है एक, ठीक है, सोर्सेस हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण सोर्सेस होते हैं इंस्क्रिप्शंस। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इंस्क्रिप्शन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं बिकॉज यहीं से हमें क्या पता चलता है, यहीं से हमें हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पता चलता है, बिकॉज इसे कोई चेंज तो कर नहीं सकता, और ये उस समय के लिखे होते हैं, चाहे ये राजा ने खुद लिखे हैं अपने प्रेस को लेकर, चाहे ये किसी ने एक्चुअल में लिखे हैं, चाहे सच हो या चाहे झूठ हो, लेकिन एटलीस्ट इतना तो पता चलता है ना कि यस ये उसी एरा से बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन लेने के, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। और एशियंट समय में हमारे पास इसके अलावा कुछ और होता भी नहीं है। पुष्पमित्र सुंगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी, या फिर कनिष्क, या फिर मेनेंदर, जिसे मेनेंदर को जिसे हम मिलिंद भी कहते हैं, राइट, जिसके कारण मिलिंद पानो लिखी गई, बुद्धिस्ट मोंक नागसेन और मिलिंद के बीच में चर्चा हुई। अब यहां पर नासिक इंस्क्रिप्शन जो है ना वो सतवाहना रूलर के गौतमीपुत्र सतकर्णी से जुड़ा है, ठीक है। यहां पर आंसर क्या आएगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी, हु इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द सतवाहना रूलर्स। और इसका क्या है, ये जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है ना, इसके नाम आगे गौतमी लिखा है, ये गौतमी इसकी मदर का नेम है, इसी ने काम शुरू करा था कि अपने नाम के आगे अपनी मदर का नेम लगाना, और वैसे भी इसे ग्रेटेस्ट बोला जाता है।
नास्तिक इंस्क्रिप्शन जो है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी से बिलोंग करता है। डन। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर। गत सप्तशती वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सतवाहना एम्पायर। अब देखिए गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती ये किसके द्वारा लिखी गई है? सिंपल प्रश्न, बहुत सिंपल है। बुक्स एंड ऑथर्स में से एक टॉपिक होता ही होता है ना आपका, तो ये उसी में से एक है। बस फर्क इतना है ये आपसे अब एशियंट हिस्ट्री का पूछ रहा है। यस, गाथा सप्तशती ये किसके द्वारा लिखी गई है? सिमुका, गौतमीपुत्र सतकर्णी, या फिर वशिष्ठ पुत्र पुलमई, या फिर हाला। ये भी मैं आपको बता दूं, बोला ही हुआ आपको पहले, सतवाहना एम्पायर से जुड़ा हुआ है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है हाला ने। हाला जो सतवाहना एम्पायर से बिलोंग करता है ये उसने लिखी है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज नाउ गुरु शिखर पीक। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए गुरु शिखर पीक किस पर्टिकुलर हमारे हिमालयस का हिस्सा बनती है। गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। गुरु शिखर पीक कौन से स्टेट पर स्थित है? ये हम सभी को पता होगा, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है। कहाँ की पीक है ये? अरावलीज की, है ना। अरावलीज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे वर्ल्ड के ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में से एक है अरावली हिल्स, राइट। जो आज की डेट में डेट्रॉइटिंग स्टेट पर है, मतलब आज की डेट में उसकी इरोजन हो ही जा रही है और वो खत्म हो रहे हैं। रेजिडुअल माउंटेन्स भी कहते हैं, ये भी आप याद रखें जब आप ज्योग्राफी करते हैं। अरावलीज को हम क्या कहते हैं? अरावलीज को हम रेजिडुअल माउंटेन्स कहते हैं, जो राजस्थान में स्थित है। और ये जो है हाईएस्ट पीक जो है राजस्थान में, देन अरावली की। चलो आगे बढ़ते हैं। और विश्व के ओल्डेस्ट वन में से एक है। जब आप माउंटेन्स की टाइप करते हैं तो आप क्या करते हैं? फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ट माउंटेन्स जिसको आप ब्लॉक माउंटेन्स भी कहते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स, राइट। फिर आप करते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स। अरावली वन ऑफ द रेजिडुअल है, हालांकि ये ओल्ड माउंटेन्स ही हैं, लेकिन वन ऑफ द ओल्ड है और रेजिड्यूल स्टेज पर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज किंगरी बिंगरी नीति माना, ये दोनों क्या है? यस, किंगरी बिंगरी नीति माना ये दोनों क्या है? माउंटेन्स है, टेम्पल है, रिवर है, या फिर पासिस है, मतलब रास्ता, ठीक है। क्या है दोनों? ये दोनों के दोनों है पासिस, राइट, मतलब रास्ता है ये। किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है? दोनों के दोनों पासिस हैं। आप यहां पर देखेंगे उत्तराखंड में बरोहती है ना, यहां पर आप देखिए किंगरी बिंगरी उनता धोड़ा, जहां पर गिरधी गंगा, धौली गंगा आस के पास जो है, ये जो है ये क्या है? रास्ता, किंगरी बिंगरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज नाउ हियर। रोहतांग पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू वैलीज। रोहतांग पास, जो ओरिजिनल रोहतांग पास की हम बात करें, रोहतांग टनल की बात नहीं कर रहे, याद रखें, रोहतांग पास की बात कर रहे हैं, ये किन दो वैलीज को कनेक्ट करेगा? यस, जल्दी से जल्दी बताएं किसको कनेक्ट करेगा? भागीरथी अलकनंदा को, ये दो रिवर्स ने, काली और धौली को, कुलू और स्पीति को, झेलम और रावी को। हाँ जी, ये किसको कनेक्ट करेगा? कुलू और स्पीति को, रोहतांग पास। रोहतांग पास जो है ना, वैली ऑफ कुलू विद स्पीति और लाहौल को जो है कनेक्ट करता है, कुलू स्पीति को। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वॉयर लोकेटेड इन विच रिवर? यस, ये जो रिजर्वॉयर है किस नदी के ऊपर स्थित है? रिजर्वॉयर पता चल गया कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। हाँ जी, जल्दी से जल्दी बताएं कि ये जो पर्टिकुलर रिजर्वॉयर है किस नदी के ऊपर स्थित है? यस, किस नदी के ऊपर स्थित है ये स्थित है रिहांद नदी के ऊपर, जो सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है, और सोन आगे चलकर किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है? गंगा की बनती है। रिहांद नदी के ऊपर ये स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10,
विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस डज द गंगा रिवर स्पीकिंग टू हुगली एंड पद्मा, ये सभी को पता ही होगा मुझे लगता है कि गंगा नदी किस जगह पर आकर खुद को जो है बायफर्केट कर लेती है, राइट, हुगली और पद्मा, फिर जो वो पद्मा बनकर आगे कहाँ चले जाती है, बांग्लादेश में चले जाती है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को हम क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, जो आगे जाकर जमुना ब्रह्मपुत्रा से कनेक्ट करती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां पर होते, राजमहल हिल्स, हियर द करेक्ट आंसर इज राजमहल हिल्स, बी इज द करेक्ट आंसर, राजमहल हिल्स के पास जाकर जो गंगा है ना खुद को बायफर कट कर लेती है, जहां पर फरक्का बैराज, वैसे एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है, फरक्का बैराज, जहां पर ये खुद को क्या करती है दो भागों में बांट लेती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल खत्म होने से पहले ही रीजन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किपेलागो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंसेप्शन ऑफ द डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब यहाँ पर आपको ना आर्किपेलागो दिए हुए हैं, आर्किपेलागो क्या होता है, आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया भी हम वन ऑफ द बिगेस्ट आर्किपेलागो कहते हैं, वैसे वो कॉन्टिनेंट भी है। अब ये देखो मले द्वीप समूह, कैरोलिन आइलैंड्स, बिस्मार्क आर्किपेलागो या फिर गैलापागोस आइलैंड्स, आपको ये बताना है जब डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी तो उसने बताया था कि किस प्रकार से ह्यूमन बींग जो है एवोल्यूट होते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, तो आपको ये बताना है कि ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है इसमें कौन सा आइलैंड को उसने स्टडी करा या फिर वहां से उसने नॉलेज ग्रहण करी, तो उसका आंसर क्या है, गैलापागोस आइलैंड्स, जो कि पैसिफिक रीजन के अराउंड है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, उतांदी स्तांदी टाइगर रिजर्व, यस, ये टाइगर रिजर्व कहां पर सिचुएटेड है। हाल ही में हम सभी ने वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेट करा है और हमारे भारत में लगभग 54 टाइगर रिजर्व्स हैं, तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाएं जल्दी, क्वेश्चन नंबर 12, उतांदी सितांदी टाइगर रिजर्व 2009 में इसे उपाधि मिली थी टाइगर रिजर्व की, ये भारत के किस राज्य या फिर किस यूटी में स्थित है, कहां पर स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या बना, बी इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यस, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 13, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, यस, थियोफ्रेस्टस, एर्नेस्ट हैकल, आर एच विटाकर, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। अब यहां पर आप देखेंगे जो आर एच विटाकर को आप अच्छे से जानते होंगे, जिसने हमारे फाइव किंगडम्स बताए थे, फाइव किंगडम्स कौन कौन से होते, फाइव किंगडम्स आप सभी ने नाइन्थ क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, एनिमलाई, प्लांटाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, क्या है, फाइव टाइप्स के किंगडम्स है जो हमें आर एच विटाकर के द्वारा दिए गए थे। तो यहां पर जो फादर ऑफ बॉटनी है वो कौन है, थियोफ्रेस्टस है। देन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए। चलिए अगला प्रश्न देखें, हर्ब्स डिजीज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी, हर्ब्स एकमात्र क्या है, बीमारी है, आपको ये बताना है पर्टिकुलर मनुष्य के, ह्यूमन बींग के पूछ रही हूँ मैं, ऑफकोर्स मनुष्य की बात कर रही हूँ, ये मनुष्य के किस पर्टिकुलर हिस्से को जो है प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है, चलिए जल्दी से जल्दी बताएं, ये मनुष्य के किस हिस्से को, किस बॉडी पार्ट को प्रभावित करती है, अपना अफेक्ट डालती है, प्रश्न समझ गए ना आप सभी। तो ये हर्ब्स जो पर्टिकुलर है ये हमारे स्किन को प्रभावित करती है, हमारी बॉडी ना स्वेल हो जाती है जब ऐसा डिसीज कोई हमें लग जाता है, हर्ब्स डिसीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 था, आगे अब आगे, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ स्पाइसेस बोर्ड सिचुएटेड इन इंडिया। प्रश्न को अगर आपने अच्छे से समझ लिया होगा ना तो उत्तर देना उतना ही आसान हो जाएगा, हेडक्वार्टर्स ऑफ स्पाइसेस बोर्ड, यस, स्पाइसेस बोर्ड के हेडक्वार्टर्स कहां पर स्थित है, तमिलनाडु, केरल, न्यू दिल्ली या फिर महाराष्ट्र, चार ऑप्शन है आपके पास, कहां पर स्थित है,
केरल में स्थित है, केरल में कोची में स्थित है, जहां की हम लाल मिर्चे जो है बहुत ज्यादा कह सकते हैं वर्ल्ड फेमस है। फ्रॉम द एशियन टाइम्स जिसे ग्रीक्स भी क्या बोलते थे, यवन प्रिय कहते थे। क्या कहते थे ग्रीक्स उसे? यवन प्रिय कहते थे। और वहीं पर जो है ना मसाले आदि जो है उगाए जाते थे, और ग्रीक्स तब से जो है ट्रेड करते थे, उन्हें मसाले बहुत चाहिए थे। यस, क्यून ऑफ अरब सागर, वेरी गुड, ब्लैक पेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। बी इज द करेक्ट आंसर हियर। कोची में स्थित है इसके हेडक्वार्टर्स। क्वेश्चन नंबर 16, बिग पुश थ्योरी। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये प्रश्न आपका। बिग पुश थ्योरी ये एक थ्योरी है, राइट? ये किसके द्वारा दी गई है? ये थ्योरी हमें किसके द्वारा दी गई है? ए आर ओडोन, मार्शल गौरव दत्त, या फिर श्री जे आर हिक्स? किसके द्वारा दी गई है हमें ये थ्योरी? आई रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, यहां पर कुछ नहीं है कि मुझे नहीं आता तो आप आंसर ना दें, सभी आंसर्स दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, ये बिग पुश थ्योरी दी गई है किसके द्वारा? ए आर रोडोन के द्वारा। सभी का उत्तर गलत है, किसने भी ए नहीं बोला। आई थिंक सभी ने बस चूज ही करा है बी। ए इज द करेक्ट आंसर हियर, ए आर रोडोन, जिसने बिग पुश थ्योरी इकोनॉमिक्स के ऊपर, वन ऑफ दी मेजर इकोनॉमिक्स थ्योरी में से एक आती है, राइट? चल अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हु वॉज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा? यस, फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है? ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रश्न समझ गए कि इनमें से कौन है ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा? चीवी मावलांकर, पीए संगमा, मीरा कुमार, या फिर एम अनंत सन्यम अयनकर? काफी बच्चों ने मुझे लगता है आंसर देख लिया था, है ना? चलिए कौन है यहाँ पर ट्राइबल, फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा? स्पीकर जो होता है ना, वो पार्लियामेंट जो है लोकसभा के जो लोग हैं वो खुद ही चूज करते हैं। अच्छा, एट प्रेजेंट स्पीकर कौन है लोकसभा के? यस, हियर द करेक्ट आंसर इज पीए संगम। चलिए बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ये क्वेश्चन नंबर, मणिपुर अटेन्ड स्टेटहुड ऑन विच डेट? हां जी, मणिपुर जो है उसने स्टेटहुड डे कब अटेन करा? मणिपुर काफी ज्यादा सुर्खियों में है, सिंपल सी बात है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से प्रश्न बनना वैसे ही बनता है ना? तो आप मुझे बताएंगे मणिपुर जो है कब जो है ये स्टेटहुड अटेन करता है? मणिपुर अटेंड इट्स स्टेटहुड डे ऑन 1972, 1972 जनवरी 21, 1972। अब आप मुझे बताएंगे 1972 में और भी दो पर्टिकुलर स्टेट ने अपना स्टेटहुड अटेन करा था, राइट? आप इस तरह से ना 1972 में, अब आप क्या कर सकते हैं, आज जो है जितने भी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जितने भी और ज्यादा स्टेट्स इसी पर्टिकुलर ईयर में 1987 में स्टैब्लिश हुए हैं, आप वो याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज? इनमें से कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है, भाग है संविधान का, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यस, हमारे डीपीएस फीस में भी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ, बट मुख्यतः किस पार्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की जाती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करी जाती है पार्ट सी, दैट इज 9th B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 9th, देखो 9th डील करता है पंचायत्स के साथ, 9A डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज के साथ, स्केड्यूल 11, स्केड्यूल 12, फिर 9th B डील्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटी, और पार्ट 10 स्केड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज। डन, चलिए अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 20। कैंडल इज द इक्विपमेंट यूज टू ट्रांसफर विच काइंड ऑफ एनर्जी? अब बताएं कैंडल एक प्रकार का क्या है, इक्विपमेंट है जो आप किस लिए यूज करते हैं, किस प्रकार की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार की एनर्जी में? सिंपल सा प्रश्न है ये। यस, कैंडल जो एक आप वस्तु यूज करते हैं, ये क्या करती है, केमिकल एनर्जी को चेंज किस में करती है? लाइट और हीट एनर्जी में। डन,
ए इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड एवरीवन. प्रकाश और ऊष्मा में रासायनिक ऊर्जा. अगला प्रश्न देखें. व्हेन वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड. एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है कब एस्टैब्लिश हुआ था? वेरी गुड निशु जी, आपको इतनी साइंस आती है और भी आपको आती है, और सभी को बहुत आती होती है, लेकिन बस रिवीजन नहीं होती. वेन वॉज द एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड? यस, कब एस्टैब्लिश हुआ था एशियन डेवलपमेंट बैंक? हाँ जी, सभी ए बी उत्तर दे रहे हैं, मतलब कंफ्यूजिंग है. 1970 या 66 में या 68 में. तो हियर द करेक्ट आंसर इज 1966. ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जब एस्टैब्लिश हुआ था 1966 में, हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्स इसके है फिलीपींस में, एंड इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर. ये भी याद रखें, इंडिया क्या है? इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का. और दूसरी बात, इसका शेयर कितना है टोटल में से? 6.331% इसका शेयर है. और इसके साथ साथ इंडिया ने इसको इससे बोरोइंग लेनी कब स्टार्ट करी थी? 1986 में. ये भी डेट याद रख लें. कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने बोरोइंग लेनी कब स्टार्ट करी थी. डन, हेडक्वार्टर्स फिलीपींस. चलिए अगला प्रश्न देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशंस? हां जी, सेंटर स्टेट रिलेशन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित आपको बतानी है कौन सी समिति है. सिंपल प्रश्न है कि कौन सी कमिटी डील करती है सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ. राजा मन्नर, रघुरंजन, बलवंत रॉय, अशोक मेहता. यस, कौन सी कमिटी डील करती है पर्टिकुलर सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ? यहां पर सभी के ऑलमोस्ट, बहुत ही कम लोगों के आंसर सही है. देखिए, ये जो दो कमेटी है ना, बलवंत रॉय और अशोक मेहता, ये दोनों की दोनों डील करती हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, जिसमें कोई 3 ब्लॉक टायर, कोई 2 ब्लॉक टायर वगैरह की इंफॉर्मेशन देता है. हालांकि हम डीप में अभी नहीं जा रहे, सिंपल ये बिलोंग किससे करती है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से. अब यहाँ पर जो राज बनर कमेटी हो गया, पंची कमेटी हो गया, ये जो है ये डील करती है सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर हेयर. चलिए क्वेश्चन नंबर 23. लॉस ऑफ आइस इन द बॉडी ऑफ अ ग्लेशियर थ्रू मेल्टिंग इज नोन एज. पिघलने आदि के माध्यम से ग्लेशियर के शरीर में बर्फ की हानि को क्या कहा जाता है? क्वाइट इजी क्वेश्चन, बस एक टर्मोलॉजी है अगर आपने टर्म्स को पढ़ा हो. यस, क्या बोला जाता है जब जो है बर्फ पिघलना शुरू कर जाती है ग्लेशियर से? ग्लेशियर पता है ना, जो हर वक्त हर वर्षों से जो है बर्फ से ढके हुए हो, है ना, स्नो कवर्ड हो, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? ग्लेशियर. जैसे कि हिमालयस की जो सबसे ऊपर वाली चोटियां है ना, ग्रेटर हिमालयस आर वन ऑफ द हिमाद्री जिन्हें कहते हैं. यस, लॉस ऑफ आइस ग्लेशियर में से जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सी हियर, उसको हम बोलते हैं एब्रेशन, एब्लेशन, एब्लेशन बोलते हैं. अब इन चारों टर्म को आप समझे, ये चारों टर्म्स है क्या? बी इज द करेक्ट आंसर हियर. लॉस ऑफ आइस इन द बॉडी ऑफ ग्लेशियर थ्रू मेल्टिंग, ये क्या होता है? ये एब्लेशन होता है. अब यहां से समझे, एंटीपोड्स क्या होता है? एंटीपोड्स यानी कि दो पॉइंट्स हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. मान लो ये अर्थ है, अर्थ के ऑपोजिट दो पॉइंट्स, दैट इज द एंटीपोड्स. उसके बाद एब्रेशन. एब्रेशन क्या है? इरोजन ऑफ रॉक्स बाय विंड, वाटर और आइस. जैसे ही रॉक्स की इरोजन है ना, विदरिंग स्टार्ट हो जाएगी बाय द वाटर, विंड और आइस, इसको हम क्या बोलेंगे? एब्रेशन बोलेंगे. और इसके साथ साथ एल्टीमीटर क्या है? एक तरह का एंड्रॉयड बैरोमीटर है, जिससे आप हाइट यूज करते हैं एरोप्लेन्स में बेसिकली. समझ गए तीनों के तीनों? यहाँ पर तीनों के तीनों की वैल्यूज पता चल गई. तीनों के तीनों क्या है? प्रतिलोम किसे कहते हैं? ठीक है, ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस. पृथक करना किसे कहते हैं? दैट इज द ग्लेशियर जब पिघल रहा है. और घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण का मतलब ही क्या होता है? इरोजन. जब पानी हवा अलग अलग कर क्या हो रहा है, पत्थर घर्षित हो जा रहे हैं, इरोड हो जा रहे हैं.
चलिए, और अल्टीमीटर क्या है? एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज करते हैं एरोप्लेन्स में बेसिकली। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 इज हियर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सरनेम? रिसेंटली आपको पता होगा हमारी प्रेसिडेंट साहिबा सरनेम गई थी, याद है आप सभी को? द्रौपदी मुर्मू जी गए थे, कहां पर गए थे? सुरीनेम गए थे, जहां पर उन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करा था। अब यहां पर आपको बस इतना बताना है कि सुरीनेम की कैपिटल क्या है। एम्बेबेन है, करोटम है, परम्बारियो है, या फिर स्टॉकहोम है? आई एम क्वाइट श्योर स्टॉकहोम सभी को पता होगा कि किस चीज की कैपिटल है। स्टॉकहोम सभी को पता होगा कैपिटल किस चीज की है ना? पहले तो मुझे यही बता दो, स्टॉकहोम कहाँ की कैपिटल है? वेरी गुड सचिन शर्मा, शी गॉट देयर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ सुरीनेम, क्योंकि वो यही मानते हैं कि पहले जो वासी थे सुरीनेम में स्टैब्लिश करने वाले वो इंडियंस ही थे, तो वो इसलिए वहां पर इंडियंस की बहुत ज्यादा वो कदर करते हैं, सिंपल सी बात ये है। अब यहाँ पर कैपिटल जो है सुरीनेम की क्या है? दैट इज द खार्तूम है। यहां से देखें खार्तूम क्या है? सी, सी इज द करेक्ट आंसर। परामरीबो है हमारे सुरीनेम की कैपिटल। अब यहां से देखें स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है? स्वीडन की। खार्तूम है सुदान की। एम्बेबेन है स्वाजीलैंड की, नॉट स्विट्जरलैंड। कहाँ की कैपिटल है? स्वाजीलैंड की। डन। अच्छा स्विट्जरलैंड की कैपिटल बता दो, ये अलग है दोनों, ये बात याद रखना। स्विट्जरलैंड और ये स्वाजीलैंड दोनों अलग हैं नेशंस। चलिए स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न है। हु इज इन बर्न? जलने वाला बर्न नहीं है, BURN नहीं है जी बच्चे, बर्न है कैपिटल। यू आर राइटिंग बर्न, जलाना नहीं है स्विट्जरलैंड को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फेमिन इंस्पेक्शन कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द इवेंट्स ऑफ बंगाल फेमिन। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें क्योंकि फेमिन कमीशन बहुत बार भारत में एस्टेब्लिश हुए हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया फेमिन्स बहुत सारे आए हैं, है ना? ठीक है, बहुत सारे आए हैं, तो इसलिए अब आप ये बताएं कि ये वाली जो पर्टिकुलर इंस्पेक्शन कमीशन बिठाया गया था फेमिन्स को लेकर, ये किसने बिठाया था? जिसने बंगाल में जो फेमिन आया था उसकी इन्वेस्टिगेशन करी थी, कर्जन, लिटन, वेवल या फिर एल्गिन? तीन बार। ये एक चीज मैं और बता दूं, इन चारों के टाइम पर फेमिन कमीशन बैठे हैं, लेकिन ये वाला किसके टाइम पर आया था? लॉर्ड वेवल के टाइम पर। सी इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉपर वर्जन कौन सा नहीं है? अब ये प्रश्न तो आप सभी को या हम सभी को पता ही होना चाहिए, बिकॉज हम डेली जो है कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ईच एंड एवरीथिंग यूज करते हैं। नॉट अ प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 10, एक्सपी 7 या फिर 9? वेरी गुड, काफी बच्चों का सही उत्तर है, विंडो 9 इज नॉट द, विंडो 9 डी इज द करेक्ट आंसर है। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए नॉट अ प्रॉपर वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी सारे क्या है? बाकी सारे प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, 10, एक्सपी और 7। चलिए वेरी गुड, 7 के बाद। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल? कोबोल की फुल फॉर्म आपको बतानी है। कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बेसिक ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर बेस्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज? यस, कोबोल की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? दिस इज द कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए बढ़ते हैं आगे, बाकी और कुछ भी नहीं है कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, रिसेंटली फैंगनोन कोनिया वाज सीन इन न्यूज इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चूज हुई है पहली बार, किस राज्य से या किस यूटी से ये बिलोंग करती हैं? किस यूटी से बिलोंग करती हैं ये? नागालैंड से बिलोंग करती हैं। दी इज द करेक्ट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन देखें, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया चूज किए गए हैं।
आपको ये बताना है किन्हें चूज किया गया है, रमनदीप सिंह, दिलीप तिर्की, हरमनप्रीत सिंह या फिर दिवेश सिंह। 20 इज द करेक्ट आंसर हियर, सभी गलत बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की कौन है? फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम है एंड अ मेंबर ऑफ द गोल्ड मेडल विनिंग टीम जो कि 1998 में एशियन गेम्स में जीते थे। और ये जो है फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन और ओलंपियन भी रह चुके हैं जो अब क्या करेंगे, इंडियन हॉकी टीम को लीड करने जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेंसू एक्स इंडिया सीईओ। यस, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं डेंसू एक्स इंडिया के? दिव्या खुरानी, नीति मोहन, जेसी लियोन, जोसे लियोन पे सुनील अरोड़ा। यस, इन चारों में से कौन है जो बने हैं? यस, करेक्ट आंसर इज हियर इज द सी, जोसे लियोन। जोसे लियोन जो बने हैं, राइट, एक एजेंसी है डेंसू एजिस नेटवर्क इंडिया। ये क्या है? ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, राइट, नेटवर्किंग कंपनी है जिसने अपॉइंट करा है न्यू सीईओ किसको? जोसे लियोन को। और ये जो लियोन है ये काफी देर से जो है एक्सपीरियंस पर्सन है, बहुत सारे ब्रांड्स को ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसके साथ साथ इससे पूर्व जो है दिव्या करानी जो है इससे पूर्व थे सीईओ फॉर दी डेंसू एक्स फॉर अबाउट द 2021 से, राइट। चलिए तो आज के हमारे प्रश्न जो है हो चुके हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डन। अब देखिए, अब अभी इंग्लिश की क्लास होगी आपके साथ, तो बने रहें, सर अभी आ रहे हैं। चलिए, और मोर ओवर इफ यू लाइक द सेशन यू शुड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और द नॉन वंस, जो भी जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की। बिकॉज देखो, जो हमारे एचपी हो गया, एचपीजी के हो गया, या फिर पर्टिकुलर जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, वो तो ईच एंड एवरी एग्जाम में आनी ही आनी होती है ना। यू मस्ट शेयर द लेक्चर विद योर नॉन वंस एंड मस्ट लाइक द लेक्चर इफ यू रियली लाइक दिस। चलिए, थैंक यू एवरीवन। अभी बताओ आवाज आ रही है? बंद था एक्चुअली। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है? तो इंग्लिश का सेशन रहेगा ये, आपको पता ही है। तो आज के सेशन में ना थोड़ा हम पहले पढ़ेंगे भी, राइट, मतलब इसमें मैंने एमसीक्यूज कम रखे, थोड़ा सा आपको समझाने वाला भी है इसमें, ठीक है? सभी बच्चों को गुड इवनिंग। देखिए,
सबसे पहले हमने आज पढ़ना है, थोड़ा मैं इसको पढ़ाऊंगा, फिर आफ्टर दैट जो इसके एमसीक्यूज है, मॉडल का बड़ा थोड़ा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, हमने डिफरेंस समझना है बिटवीन मस्ट एंड हैव टू। मस्ट और हैव टू जो दो मॉडल होती हैं, ठीक है, इनका हमने डिफरेंस समझना है सबसे पहले, मतलब इसमें एमसीक्यूज भी रहेंगे बट थोड़ा सा मुझे आपको बताना है। तो पहले तो मुझे बताएंगे आप मस्ट और हैव टू में क्या डिफरेंस होता है, डू यू नो? हाँ जी बताओगे? एक मस्ट मॉडल होती है और एक हैव टू होता है। तो मस्ट मॉडल का यूज कहां पे करते हैं हम, वैसे आप बता दीजिए, अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर मैं बता देता हूं फर्दर, कोई इशू नहीं है, ऑप्शन बाद में करेंगे अरुणा रानी जी, पहले थोड़ा समझ तो लें, ठीक है, ऑप्शन ऐसे डायरेक्ट नहीं है। हाँ देखो सौरभ कुमार ने बताया, आप अपना नॉलेज भी तो बताओ ना, एमसीक्यू उसका क्या है, उसमें तो फिर गलत नहीं जाते हैं इतने सारे, पता तो हो, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। हाँ हैव टू कंपलसरी है तो मस्ट भी ऑब्लिगेशन है, कंपलसरी और ऑब्लिगेशन में फर्क क्या है, दोनों सेम चीजें हैं, देखा जाए तो दोनों बातें सेम है, देखो डिफरेंस है इनमें, मैं आपको बताता हूं। ये जो मस्ट होती है, मस्ट एक प्रॉपर मॉडल है, ध्यान रखना आपने, मस्ट एक मॉडल होती है, जैसे विल वुड शैल शुड कैन कुड, ठीक है, मस्ट एक मॉडल होती है, बात को समझना आप ध्यान से, राइट। तो पहला बोल रहा है मस्ट इज यूज फॉर ऑब्लिगेशन फोर्स मैंडेटरी, जो चीज मैंडेटरी है कंपल्शन है, जिस चीज का फोर्स है ऑब्लिगेशन है, पहला पॉइंट, ठीक है, ये सभी बच्चे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं देख लें। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, बोल रहा है मॉडल ऑलवेज शो स्पीकर्स व्यू पॉइंट, याद रखना जो मॉडल है, जैसे मस्ट मॉडल है तो इसके थ्रू आप स्पीकर के व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करते हो, स्पीकर का जहां पे व्यू पॉइंट आता है वहां पे हम मॉडल के थ्रू बताते हैं, राइट। तीसरा पॉइंट बोल रहा है मॉडल्स आर बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग्स, मॉडलिटी ये होती है, जब आप अपने व्यू को दे रहे हो ना तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं मॉडल को, ये प्रॉपर मॉडल है ये। लेकिन ये जो हैव टू होता है, अब आपको पता है कि हैव टू अकेला नहीं होता, इसके साथ हैज टू भी हो सकता है, ये प्रेजेंट में लगते हैं, ये पास्ट में लगता है, और ये फिर फ्यूचर का ऑल्टरनेट है कि नहीं बताओ? हैव टू के साथ हैज टू भी तो होता है, हैड टू भी तो होता है, विल हैव टू शैल हैव टू भी होता है ना, तो ये एक्चुअली इनको सेमी मॉडल बोलते हैं, सेमी का मतलब होता है हाफ, ये प्रॉपर मॉडल्स नहीं होती, ये हाफ मॉडल्स होती हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? मीनिंग पे मत जाना, मीनिंग दोनों के सेम निकलते हैं, इसमें इसका मतलब भी वही है, लेकिन मस्ट का जैसे काम फोर्स करना है, लेकिन इसमें क्या बोला है तीसरे पॉइंट में, ये पर्सनल फीलिंग्स को बताता है, पर्सनल फीलिंग्स को बताता है, राइट। तो ये एक प्रॉपर मॉडल है और ये हाफ मॉडल्स का काम करते हैं, सेमी मॉडल्स बोलते हैं इनको, चाहे फिर आप हैव टू बोलो चाहे हैज टू बोलो, प्लूरल के साथ हैव टू, सिंगुलर के साथ हैज टू, पास्ट टेंस में हैड टू, फ्यूचर टेंस में आई और बी के साथ शैल हैव टू, बाकी सबके साथ विल हैव टू, ये बात क्लियर है? अब देखो यहां पे पॉइंट है इसके, पहला पॉइंट बोल रहा है सेमी मॉडल्स आर यूज्ड फॉर फैक्ट्स, ये एक्चुअली एक्चुअलिटी को बताता है, मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा अभी आगे, आपको सेंटेंस देने वाला हूं मैं, एमसीक्यू आपने आंसर देने हैं फिर। तो बोल रहा है जो सेमी मॉडल्स होते हैं ये फैक्ट्स को बताती हैं, एक्चुअलिटी को बताती हैं, ये स्पीकर के व्यू पॉइंट को नहीं बताता है, जबकि मॉडल्स में बोल रहा है कि मॉडल ऑलवेज शो स्पीकर्स व्यू पॉइंट, ठीक है, फिर एमसीक्यू से क्लियर करेंगे। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है सेमी मॉडल्स आर इम्पर्सनल, ये पर्सनल नहीं होती है, इम्पर्सनल होता है, और सेमी मॉडल्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई रूल सिचुएशन, मतलब वही बात है फैक्चुअल स्टेटमेंट जहां पे होती है वहां पे सेमी मॉडल्स लगती हैं, क्या ये बात समझ आई आपको? एक बार बताओ फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर वन दिखा रहा हूं, आपने आंसर कमेंट करना, क्या बात समझ आई? जहां पे रियलिटी है, जहां पे फैक्ट है, वहां पे आपको ये वाले यूज करने हैं, वहां पे आप मस्ट नहीं लगा सकते, लेकिन जहां पे आप स्पीकर का व्यू पॉइंट दे रहे हो, स्पीकर का व्यू पॉइंट दे रहे हो, वहां पे आप मस्ट के थ्रू बताओगे। चलो बताओ इस पहले क्वेश्चन में, ये देखो आपको इन दो पॉइंट से हिट मारना है ऑप्शन को, पर्सनल व्यू पॉइंट होगा तो आपको प्रॉपर मॉडल का यूज करना है, फैक्ट होगा एक्चुअलिटी होगी तो आपको सेमी मॉडल का यूज करना है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर बस यही दो पॉइंट याद रखने हैं आपने, आपको आंसर मिलता चलेगा, आप सही मॉडल लगा लो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये मॉडल चैप्टर, रिमेंबर। और वीडियो को लाइक और शेयर करते चलना है, बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? पर्सनल व्यू पॉइंट है तो प्रॉपर मॉडल लगानी है, अगर वहां पे स्पीकर का व्यू पॉइंट है, इंपर्सनल है, तो फिर वहां पे आपको जो है सेमी मॉडल लगानी है, बस ये बात है।
अब कोई बोल रहा है तवलीन इज अ नाइस गर्ल, तवलीन एक अच्छी लड़की है, यू डैश सी हर, अब क्या भरेंगे? ऑब्वियस है सी और डी तो नहीं आना है, ठीक है। ज्यादातर बच्चों ने आंसर ए दिया है, ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने आंसर ए दिया है और बिल्कुल करेक्ट दिया है, वेरी गुड। पहले का आंसर मस्ट आएगा, इसमें कोई पर्सनल व्यू नहीं है, सॉरी पर्सनल व्यू है। तवलीन इज अ नाइस गर्ल, यू मस्ट सी हर, कोई बंदा बोल रहा है कि तवलीन एक अच्छी लड़की है तो मैं उसको मिलना चाहिए, ये कोई फैक्ट तो नहीं है, फैक्ट नहीं है ना, तो इसमें सेमी मॉडल नहीं लगेगी, प्रॉपर मॉडल आएगी। जैसे देखो मैंने आपको बोला, मैंने बोला यू शुड गो देयर, बात को समझना आप, मैंने बोला यू शुड गो देयर, तो ये मैं बोल रहा हूं ना, ये मैं आपको बोल रहा हूं ना कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो प्रॉपर मॉडल लगी, देखो समझ आ रही है बात आपको, मैंने बोला तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो ये बोल कौन रहा है, मैं बोल रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं, तो ये मेरे व्यू पॉइंट है ना। तो जब भी आप अपने व्यू पॉइंट को देते हो, जब भी स्पीकर अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करता है, वो हमेशा प्रॉपर मॉडल के थ्रू ही बताया जाता है, राइट। लेकिन इसी वाक्य को तुम ऐसे बोलो, यू हैव टू गो देयर, बताओ इन दो वाक्यों में क्या फर्क है। मैंने बोला तुम्हें वहां जाना पड़ता है, तुम्हें वहां जाना पड़ता है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, अरे तुम्हें वहां जाना पड़ता है, दिस इज एक्चुअलिटी, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, ये स्पीकर का व्यू पॉइंट है, लेकिन तुम्हें वहां जाना पड़ता है ये रियलिटी है, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, ठीक है। तुम्हें वहां जाना पड़ता है, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी, बट यू मस्ट गो देयर, तो फिर मैं आपको जवाब दे रहा हूं, तो फिर ये मॉडल चैप्टर इसलिए बनना है। तो जब आप स्पीकर के व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करते हो तो आप प्रॉपर मॉडल के थ्रू बताओगे, जब आप रियलिटी को बताते हो, फैक्ट को बताते हो, तो फिर हम सेमी मॉडल लगाते हैं। इसमें आंसर दो, आंसर आई एम टू सबमिट माई असाइनमेंट टुमारो, आई डैश वर्क लेट एट नाइट, आंसर सिर्फ वही पॉइंट याद रखना, आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, स्पीकर अपना ओपिनियन दे रहा है, तो फिर वहां पे आप प्रॉपर मॉडल लगा दो। अगर वहां पे इंपर्सनल है, अगर वहां पे स्पीकर का व्यू पॉइंट नहीं है, रियलिटी है, फैक्ट है, तो फिर वहां पे आपको लगाना है सेमी मॉडल। आंसर अब आपको एक सिचुएशन दे रहा है, एक सिचुएशन दे दी आपको, एक सिचुएशन दे रहा है पहले, आपको एक सिचुएशन दी जा रही है पहले कि आई एम टू सबमिट माय असाइनमेंट टुमारो, कि मुझे जो है अपनी असाइनमेंट को कल जो है सबमिट करना है, मुझे अपनी असाइनमेंट को कल सबमिट करना है, एक सिचुएशन है ये, सिचुएशन है ये, राइट। तो आंसर क्या होगा, क्या इसमें कोई आपको सुझाव दे रहा है, क्या इसमें स्पीकर का व्यू पॉइंट है, देखो ना आंसर देने में लगे हुए हैं, समझते हैं नहीं बात को, क्या इसमें स्पीकर अपना व्यू पॉइंट दे रहा है, ये आपको सिचुएशन दे दी, आई एम टू सबमिट माय असाइनमेंट टुमारो, तो आई मस्ट वर्क लेट एट नाइट, कोई बंदा बोल रहा है आपको, वो खुद को ही दे रहा है सुझाव, अरे आंसर गलत दे रहे हो तुम लोग, बी एस का आंसर, देखो चंद्रा जी आप बिल्कुल ही गलत चले गए, आंसर बी होगा इसका, हैव टू, बात को समझो, यहां पे कोई अपना व्यू पॉइंट दे रहा है, भाई तवलीन एक अच्छी लड़की है तो तुम्हें उसको मिलना चाहिए, तो ये कोई बंदा बोल रहा है ना आपको, कोई बंदा बोल रहा है, समझो आप बात को, ठीक है, तवलीन एक अच्छी लड़की है तो तुम्हें उसको मिलना चाहिए, थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा कि ये फैक्ट है, रियलिटी है, एक्चुअलिटी है, तो सेमी मॉडल डाल दो, स्पीकर का व्यू पॉइंट है तो फिर वहां पे आप जो है मॉडल लगाओ प्रॉपर। इसमें एक सिचुएशन दे रहा है, आई एम टू सबमिट माय असाइनमेंट टुमारो, आई हैव टू वॉक लेट एट नाइट, तो ये फैक्चुअल बात है, फैक्ट है ये, इसका बताओ, सोच के बताना आंसर, अगर इसका आंसर भी गलत दिया ना आपने तो इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा फिर कुछ भी,
फिर तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई यहाँ पे सिचुएशन दे रहा है कि वो बंदा बीमार है, वो बीमार है तो उसको मिलना ही चाहिए, उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना ही चाहिए। सिचुएशन दे रहा है आपको जो चीज इस पे बेस्ड है, ड्यू टू रूल और सिचुएशन, और जो फैक्ट बेस्ड है, एक्चुअलिटी है, जो रियलिटी है, उसमें आपको सेमी मॉडल लगानी है। उसमें आप लगा ही नहीं सकते मॉडल, प्रॉपर मॉडल लगानी नहीं है वहां पे। अब यहाँ पे बोल रहा है वो सीरियसली इल है, ठीक है, ही इज सीरियसली इल, तो उसको जाना है। इसमें कोई बंदा थोड़ी बोल रहा है, इसको कोई बोल ही नहीं रहा है इसको। तो आप यहां पे क्या लगा रहे हो, आप यहां पे मस्ट बोल रहे हो, गलत है। अगर वो सीरियसली इल है तो उसको, अब ही के साथ हैव टू तो आएगा नहीं, ही के साथ क्या आएगा, हैज टू। ही हैज टू कंसल्ट अ डॉक्टर। ही के साथ हैव टू तो आएगा नहीं, अब हैज टू आएगा। चलो आगे देखेंगे इसका, बताओ चौथे में सोच के बताना। क्वेश्चन अच्छे हैं ये, हैं 10 ही क्वेश्चन आज, लेकिन इनमें कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा आपको। ऐसे बिना समझे आंसर नहीं जाएंगे, तुक्के नहीं बजेंगे इनमें, सिंपल सी बात है। ही डैश कम विद अस इफ ही डजेंट वॉन्ट टू। अब आप ये देखो कि क्या ये स्पीकर बोल रहा है, कोई अगर स्पीकर का इंटेंशन है, स्पीकर बोल रहा है, ठीक है, स्पीकर अपना व्यू पॉइंट दे रहा है, तो प्रॉपर मॉडल डालो इसमें। एक बार आंसर कर दो जो भी आपकी सेंस बोलती है, फिर मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। आप एक बार बताओ सावस। देखो होता ही है कि ये जो नीड मॉडल होती है और जो डेयर मॉडल होती है, अगर इनको आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हो, नेगेटिव वाक्य हो, तो पहली बात इनके साथ टू नहीं लगता। नीड और डेयर मॉडल नेगेटिव सेंटेंस में टू नहीं लेती, तो जो बच्चे सी बोल रहे हैं वो तो डायरेक्ट गए, मतलब तो उनका आंसर तो गलत है, क्योंकि नीड और डेयर मॉडल के साथ नेगेटिव सेंटेंस में टू नहीं लगता, पहली बात, राइट। तो सी ऑप्शन ड्रॉप हो जाएगी। अब यहां पे आप डजंट भी पहले लिख रहे हो, नीड बाद में लिख रहे हो, तो यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है, और जब आप नीड और डेयर को मेन वर्ब बना के लिखते हो, मेन वर्ब, क्योंकि यहां नीड फर्स्ट फॉर्म है, जैसे मैंने बोला ही डजंट गो देयर, बात को समझो आप, आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए, बात को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ही डजंट गो देयर ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहां पे गो वर्ब है ना मेन वर्ब, वैसे ही नीड यहां पे मेन वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ये मेन वर्ब है यहां पे, और जब इसको मेन वर्ब बना के लिखते हैं तो इसके साथ टू आता है, तो इसके साथ टू आना चाहिए था, तो इसने भी दम तोड़ दिया। तो मतलब कहां पे चला गया पेन, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे जो है बी ने भी दम तोड़ा, यहां पे टू आना चाहिए था, मेन वर्ब के बाद यहां टू आएगा, लेकिन मॉडल के बाद टू नहीं आएगा, तो बी और सी तो गई, बी और सी तो कोई भी बच्चा इस सेंटेंस में ड्रॉप कर देगा, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है। देखो यहां मॉडल के रूप में यूज कर रहा है, टू नहीं दे रहा है, यहां पे मेन वर्ब के तौर पे इसको नीड को यूज कर रहा है तो टू दे रहा है। अब ए और डी में है कंफ्यूजन की, ए और डी में से क्या होगा, इसमें सेंसर, ए और डी में से आंसर है, मतलब बी और सी तो मैंने आपको रीजन बता दिया, मॉडल के तौर पर नीड को यूज करेगा टू नहीं आएगा, मेन वर्ब के बाद टू आएगा, तो ए वाले में मॉडल के तौर पे यूज कर रहा है, टू नहीं लगा रहा है, यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है, इसके बाद टू लगा रहा है, फिर से वही बात है। आपको ये चीज देखनी है, ये क्या फैक्ट है या कोई बंदा बोल रहा है, देखो जरा आगे, ठीक है। इन दो वाक्यों में फर्क बताओ, इन दो वाक्यों में फर्क बताओ, क्या फर्क है इन दोनों में। मैंने यहां ब्रैकेट रखा है, आप जो बोलोगे मैं लिख दूंगा यहां पे। ही डजंट लिव हेयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये वही वाली बात है, और यहां ही नीड नॉट लिव हेयर, बताओ क्या फर्क क्या है दोनों में। इन दोनों वाक्य में
जब हम इनकी हिंदी बनाते हैं वो यहां पे नहीं रहता है, उसको यहां पे रहने की जरूरत नहीं है। देखो दोनों की हिंदी क्या बनी, वह यहां पे नहीं रहता है। अरे ये रियलिटी है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस क्या करता है, फैक्ट को बताता है। भाई आप बोलते हो वो इंग्लिश नहीं बोलता है, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, क्या है ये, फैक्ट है, रियलिटी है, इसमें रियलिटी है। वो यहां पे नहीं रहता है, इसमें कोई बंदा सुझाव दे रहा है, स्पीकर बोल रहा है कुछ नहीं, बोल ही नहीं रहा कोई। हाँ इसमें आप बोल रहे हो, ठीक है, मान लो आपका कोई दोस्त है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और वो काफी रिच है, काफी अमीर है आपका दोस्त, राइट, और वो ना झुग्गी झोपड़ी लो लाइंग एरियाज में रहता है, तो आप उसको बोल रहे हो यार भाई तुम्हें यहां पे रहने की जरूरत नहीं है, तुम तो काफी रिच हो यार। तो ये आप बोल रहे हो, यहां पे स्पीकर का व्यू पॉइंट है, ये क्या है, ये बेसिकली स्पीकर का व्यू पॉइंट है। तो जब आप स्पीकर के व्यू पॉइंट को बताते हो वहां पे मॉडल का यूज किया जाता है, जब आप रियलिटी बताते हो तो आप टेंस वाली स्टेटमेंट यूज करते हो, यही फर्क है उस वाक्य में, ठीक है। तो यहां पे आप ये देखो कि क्या कोई स्पीकर, मतलब इसका इसमें स्पीकर का व्यू पॉइंट है, तो आंसर ए होगा, अगर इसमें रियलिटी है तो आंसर डी होगा, बस इतनी सी बात है, राइट। तो यहां पर आप बोल रहे हो ही डैश कम विद अस इफ ही डजंट वॉन्ट टू, कंडीशन लगा रही है, अगर वह नहीं जाना चाहता है तो उसको आने की जरूरत नहीं है हमारे साथ। मान लो कहीं पे भंडारा लगा हुआ है, कहीं पे भंडारा लगा हुआ है और एक बंदा आया दौड़ के, और आप चार दोस्तों आपको बोला कि यार वहां पे भंडारा लगा है, चलो खाना खाने चलते हैं। भैया आप चारों में से एक आपका दोस्त है जो जिसने अभी अभी खाना खा लिया और चद्दर ओढ़ के वो बेड पे सो गया है, तो फिर आप हो रहे हो कि अगर वह नहीं आना चाहता है तो रहने दो, उसको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। तो ये आप बोल रहे हो ही डजंट नीड टू कम विद अस, नहीं आएगा, यहां पर राइट आंसर ए होगा, क्योंकि यहां पे स्पीकर का व्यू पॉइंट हो रहा है, शो हो रहा है कि भाई अगर ठीक है उसने अभी, आपको पता है उसने अभी भी खाना खाया, वो सो गया चद्दर ओढ़ के, तो अगर वो नहीं आना चाहता रहने दो, तो उसको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है, तो आंसर ए होगा, क्योंकि स्पीकर का व्यू पॉइंट रियलिटी नहीं है, ठीक है, फैक्ट नहीं है ये। इसका बताओ कुछ समझ आ रही है तुम्हें बात, ये वैसे मैंने उठा लिया है कॉन्सेप्ट। इसका आंसर द किड्स डैश बी हंग्री, दे हैव जस्ट हैड लंच। अब सिंपल सी बात है, उन्होंने अभी अभी अपना लंच कर लिया है, तो उन्होंने अपना लंच अभी अभी कर लिया है, तो आंसर यहां नेगेटिव में जाएगा, तो बी और डी तो नहीं आएगा, बी और डी तो इस वाक्य में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जिन्होंने अभी अभी लंच किया है तो ऑब्वियस है वो भूखे तो नहीं होंगे। अब यहां पे कॉन्सेप्ट है कि सी लगाऊं या ए लगाऊं, ये है बात। अभी आप आंसर दे रहे हो, लेकिन आंसर देने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं इस कॉन्सेप्ट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप बोल रहे हो द किड्स डैश बी हंग्री, थोड़ा सा हाई लेवल है, देखना जरा इन इन दो वाक्यों को देखो। पहले आपने बोला ही मस्ट बी योर ब्रदर, ये सिंपल सेंटेंस है, मैंने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको इसका नेगेटिव बनाना है। नीचे मैंने यहां ब्लैंक डाला है, मैंने बोला ही मस्ट बी योर ब्रदर, शायद वो तुम्हारा भाई होगा। भाई तुम दो बंदे यहां खड़े हो, तुम्हारे से थोड़ी दूरी के हो, दूरी पे यहां पे चार लड़के खेल रहे हैं, तो आप राहुल हो और आपका दोस्त रोहन है। राहुल ने रोहन को बोला कि यार ये जो चार लड़के वहां पे खेल रहे हैं, शायद उसमें वो तुम्हारा भाई होगा। बताओ इस वाक्य में अजम्पशन है, मस्ट यहां पे अजम्पशन लगाने के लिए यूज किया जा रहा है या ऑब्लिगेशन है, बताओ मस्ट के थ्रू हम यहां अजम्पशन लगा रहे हैं या ऑब्लिगेशन दे रहे हैं, ये बताइए मस्ट क्या कर रहा है यहां पे, मस्ट क्या कर रहा है, अजम्पशन या ऑब्लिगेशन, ये बताओ। मस्ट के दो काम होते हैं अरुण नारायण जी, ऑब्लिगेशन नहीं है ये, ऑब्लिगेशन नहीं है ये, आप बोल रहे हो कि शायद वो तुम्हारा भाई होगा, अरे अजम्पशन है, दिस इज नॉट ऑब्लिगेशन। मस्ट सिर्फ ऑब्लिगेट नहीं करता, मस्ट अजम्पशन भी करता है, यहां पे आप अज्यूम कर रहे हो, यहां पे इस सेंटेंस में मस्ट अजम्पशन लगाने का काम कर रहे हैं, अजम्पशन है, ठीक है। और यहां पे देखो आपने बोला ही मस्ट बी हेयर बाय 5 PM,
भाई आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपसे ना पैसे उधार ले रखे हैं और उसने आज तुम्हें टाइम दिया है कि 5 बजे तक मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी, लौटा दूंगा मैं या लौटा दूंगी। आपकी फ्रेंड है, उसने आपसे आज बोला कि मैं 5 बजे तक तुम्हारे पैसे उधार जो लिए मैं वापस कर दूंगी, फिर आप ये बोल रहे हो कि आज वो 5 बजे तक यहाँ पे होना ही चाहिए, वो बंदा आज 5 बजे तक यहाँ पे होना ही चाहिए। बताओ मस्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं, अजम्पशन ऑब्लिगेशन, बताओ इसमें अजम्पशन ऑब्लिगेशन है, सेकंड वाले में ऑब्लिगेशन है, सेकंड वाले में ऑब्लिगेशन है। यहां पे आप फोर्स कर रहे हो कि भाई आज वो 5 बजे तक नहीं आया ना तो मैं उसके घर पहुंच जाऊंगा, यहां पे अजम्पशन है, यहां पे आप अज्यूम कर रहे हो, यहां पे ऑब्लिगेशन है। तो कॉन्सेप्ट ये है, यहां पे मैंने लिख दिया ऑब्लिगेशन, फोर्स है यहां पे, साफ साफ पता लग रहा है, लेकिन यहां पे हमें पता है ठीक है कि ये मस्ट के थ्रू हम अजम्पशन लगा रहे हैं। तो होता यह है कि जब मस्ट अजम्पशन का काम करता है तो इसका नेगेटिव सेंटेंस में आपको मस्ट नॉट नहीं बनाना है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, याद रखना। जब भी मस्ट अजम्पशन का काम करता है तो इसके नेगेटिव में कांट बनता है, मस्ट का नेगेटिव में मस्ट नॉट नहीं बनाते, कांट बनता है। लेकिन जब मस्ट ऑब्लिगेशन का काम करता है, जिस वाक्य में ऑब्लिगेट करता है, वहां पे मस्ट नेगेटिव सेंटेंस में मस्ट नॉट ही बनता है। क्या मेरी बात समझे, क्या मेरी बात समझे, दिमाग नहीं चल रहा, दिमाग लगाओ जी, सोचने वाली बात है। आप मंदिर से बाहर निकले, आप टेंपल से बाहर निकले और आपने एक बंदा देखा ठीक है, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं ठीक है, और उसका मुंह भी लटका हुआ है, तो आप बोल रहे हो ही डैश बी हंग्री, या आप, मैं भरने को नहीं दे रहा हूं, आपने बोला ही मस्ट बी हंग्री, बताओ ही मस्ट बी हंग्री में अजम्पशन है या ऑब्लिगेशन है, ही मस्ट बी हंग्री इसमें अजम्पशन है ऑब्लिगेशन है। आपने बोला, आपने उस बंदे की हालत देख के, उसका मुंह भी लटका हुआ, खाना नहीं खाया उसने शायद ठीक है, तो क्या है अजम्पशन है, तो उस पर्सन को देख के आप ये अज्यूम कर रहे हो कि शायद यार ये भूखा होगा है ना, इसका पेट मतलब इसका मुंह भी लटका हुआ, फटे पुराने कपड़े पहने, अजम्पशन है ये अजम्पशन है, शायद ये भूखा होगा, ही मस्ट बी हंग्री, ही मस्ट बी हंग्री, तो ये शायद भूखा होगा, अजम्पशन है ये। जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनाओगे, ही मस्ट नॉट बी हंग्री और ही कांट बी हंग्री, कांट बी, क्योंकि मैंने बता दिया अजम्पशन में मस्ट का नेगेटिव कभी भी मस्ट नॉट नहीं होता, वहां पे इसका नेगेटिव कांट होता है। बताओ आंसर क्या है, आंसर बताओ, आंसर व्हाट कुड बी द राइट आंसर, सी सी इज द राइट आंसर। भाई ये थोड़ा हाई लेवल के कॉन्सेप्ट है ये मॉडल के, जिसको पता नहीं है ना, यहां पे अजम्पशन है, आप बोल रहे द किड्स, जो बच्चे हैं शायद वो भूखे नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने अभी अभी लंच किया था, अजम्पशन इज ओवर देयर, तो इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है, इसमें कोई फोर्स नहीं कर रहा। इस वाक्य को पढ़ के आपको ये देखना पड़ेगा कि मस्ट यहां पे अजम्पशन का काम कर रहा है या मस्ट यहां ऑब्लिगेशन का काम कर रहा है। अगर इसमें ऑब्लिगेशन होती तब फिर आप वहां पे क्या लगाते, मस्ट नॉट ही लगाते। बताओ सावास, ये बात समझ आई, थोड़ा सा ये क्वेश्चंस मैंने आज घुमाने वाले डाले हैं, दिमाग वाले क्वेश्चन नहीं है। बताओ सावास, क्या ये बात समझ आई, मैंने आपको सिचुएशंस भी दी यार, कि आप यहां खड़े हो, दूर दूर पार होता है ना कई बार, थोड़ा दूरी से हमें लगता है यार शायद उसकी हाइट भी तुम्हारे भाई जैसे मिल रही है, शक्ल भी थोड़ी लग रही है, बट पास में जाते हैं तो बंदा कोई और ही होता है, तो ये यहां दूर से ये अज्यूम ही तो कर रहा है कि शायद वो तुम्हारा भाई होगा। तो जहां पे ऐसी बात आती है वहां पे मस्ट के थ्रू हम अज्यूम करते हैं, अजम्पशन भी लगाते हैं, मस्ट सिर्फ फोर्स नहीं करता, याद रखना। दो फंक्शन है इसके, इसका आंसर दो। आंसर देने से पहले बताओ ये फैक्ट है या ये पर्सनल व्यू है इस वाक्य में। अगर ये फैक्ट है तो सेमी मॉडल आंसर होगा, अगर ये पर्सनल व्यू है तो मॉडल भरो। बताओ क्या है ये, फैक्चुअल स्टेटमेंट है या पर्सनल व्यू, कोई आपको सुझाव दे रहा है, फैक्ट है ये। पूजा कौशिक ने सही बोला है, वेरी गुड बेटा, दिस इज द फैक्चुअल स्टेटमेंट, इसमें कोई सुझाव नहीं दे रहा आपको, बोल रहा है मोहन ने आज अपनी सुबह जो है उसकी बस मिस हो गई थी। सो एक बात याद रखना मस्ट कभी भी पास्ट टेंस में नहीं लगता, मस्ट इज नेवर यूज्ड इन पास्ट टेंस, रिमेंबर मस्ट को पास्ट टेंस में लगाते नहीं है। पास्ट में मस्ट का ऑल्टरनेट पता क्या होता है, ये
हैड टू, सेमी मॉडल हैड टू, मस्ट का ऑल्टरनेट होता है पास्ट में, रिमेंबर मस्ट इज नेवर यूज्ड इन पास्ट टेंस, रिमेंबर राइट। तो ये फैक्ट है कि मोहन की आज बस मिस हो गई थी सुबह, तो ही डैश वॉक टू स्कूल, ठीक है। तो आपको पता है प्रेजेंट का एक्शन तो है नहीं, ठीक है। अब यहां मॉडल यूज टू कटगी, कुड मॉडल कटगी, जहां फैक्ट होता है मॉडल वहां भरी नहीं जाती, बस इतनी बात याद रखना। अगर फैक्चुअल स्टेटमेंट है तो मॉडल कभी भी नहीं लगाई जाएगी, मॉडल तभी लगती है जब जहां पे स्पीकर का पर्सनल व्यू पॉइंट होता है। अब टाइम देखो कौन सा टाइम है मिस्ड, कौन सा टाइम है पास्ट, अगर ये पास्ट है तो ये भी दम तोड़ गया, आंसर डी है। एक ऑप्शन टेंस के हिसाब से एलिमिनेट होगी और एक ऑप्शन, दो ऑप्शन फैक्ट, क्योंकि ये फैक्ट है और पर्सनल व्यू मॉडल नहीं भरी जा सकती, बी और सी वैसे कट गया, तो आंसर डी है इसका। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर आंसर कभी भी याद रखना। क्या ये सही है, क्या ऐसे बोलना ठीक होगा, आई कैन बी एबल टू ड्राइव, इज इट करेक्ट टू स्पीक लाइक दिस, इज इट करेक्ट टू स्पीक लाइक दिस, आई कैन बी एबल टू ड्राइव। याद रखो कैन एक मॉडल है, कैन एक मॉडल है राइट, बी एबल टू, एबल टू एक एडजेक्टिव होता है, बी एबल टू एक एडजेक्टिव होता है राइट, एबल टू एक एडजेक्टिव है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं लिखे जाते हैं जानबूझ के। देखो कॉन्सेप्ट कैसे बनाया, आगे बी एबल टू दे रहा है, तो कैन और कुड के साथ कभी भी इंग्लिश में बी एबल टू नहीं आता, आप ऐसे कभी भी नहीं बोलते हम आई कैन बी एबल टू ड्राइव, गलत है, बी एबल टू कट जाएगा। ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो, अगर आप बी एबल टू लगाना चाहते हो कैन नहीं आएगा, अगर आप कैन लगाना चाहते हो बी एबल टू नहीं आएगा, आप इस वाक्य को ऐसे भी बोल सकते हो आई एम एबल टू ड्राइव। देखो आपने एम एबल टू बोला तो फिर यहां कैन एलिमिनेट हो गया, तो पहले ये सॉरी कैन और कैन तो ऊपर है, ठीक है, तो कैन मैंने गलती से बाय मिस्टेक कर दिया, विल कर दिया ड्रॉप, ठीक है। कैन और कुड यहां पे हमने नहीं लगाने हैं क्योंकि हम जानते हैं सुपरफ्लुअस है, ये सुपरफ्लुअस है, कैन और बी एबल टू लगाओगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, जो कैन का मतलब है वही इसका मतलब है, ये भी स्किल बताता है, ये भी स्किल बताता है। तो वुड रैदर कहां आता है, चॉइस में, वुड रैदर के थ्रू हम क्या बताते हैं, प्रेफरेंस बताते हैं, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी किसी से मांगूंगा नहीं, आई वुड रैदर डाई देन बेग, सुना होगा आपने, ठीक है, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी किसी से भीख नहीं मांगूंगा, आई वुड रैदर डाई देन बेग, ये चॉइस को बताता है, प्रेफरेंस को बताता है, तो डाइंग इज द प्रेफरेंस ओवर हियर, कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं किसी से, आंसर है सी, इसमें थोड़ी प्रेफरेंस की बात हो रहा है, आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू गेट टू द एयरपोर्ट इन टाइम, राइट आंसर इज सी। जिन बच्चों ने सी बोला है, ऑप्शंस को एलिमिनेट किसके थ्रू करोगे, अरे नॉलेज से तो करोगे, जब आपको ये नॉलेज है बी एबल टू लगा रहा है कैन कुड नहीं आ सकते क्योंकि सुपरफ्लुअस है, जब आपको पता है चॉइस बताता है, चॉइस है नहीं तो एक ही तो बच्चा, राइट आंसर तक तो वैसे ही पहुंच जाओगे आप, इसका बताओ। आंसर पर्सनल ओपिनियन है, स्पीकर का व्यू पॉइंट है, मॉडल घुसा दो, स्पीकर का व्यू पॉइंट नहीं है फैक्ट है तो फिर सेमी मॉडल लगा दो। अब आपको पता है यहां पे ये टेंस वाली स्टेटमेंट है, ये तब लगेगा जब कोई फैक्ट है, फैक्ट ये नहीं है, कटा। क्या इसमें एब्सेंस ऑफ एबिलिटी है, भाई मैंने ड्राइव नहीं कर सकता, आई कांट ड्राइव, नहीं, एब्सेंस ऑफ एबिलिटी है तो कांट आएगा, यहां पे आएगा सिंपली नीड नॉट। कोई बंदा हो रहा है
कि हमारे पास बहुत सारा समय है, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, हमें जरूरत मतलब जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर ए है, वो स्पीकर अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस कर रहा है, ए है। नाइन्थ कविता, नाइन्थ का क्वेश्चन नंबर डाल करो, टेक एन अम्ब्रेला, इट डैश रेल लेटर। पूजा कौशिक जी किसका आंसर दिया आपने, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दिया करो यार, ऐसे पता नहीं लगता। अच्छा अंशित धीमान, अंशित धीमान जी आपको क्लियर कर देता हूं बेटा, हम भगवान नहीं है, हम भगवान तो है नहीं, हम गॉड तो है नहीं। भाई आपने बोला बादल दिखे भी, मैं बोल रहा हूं आज बारिश होगी, क्या हम गॉड हैं? ये नहीं आ सकता, ये तो आप श्योरिटी में चले गए कि आज बारिश होगी, यार मुझे क्या पता, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स हैं अंशित जी, तो विल तो कभी मत लगाना है इसमें, पॉसिबिलिटी है। अब आंसर में यहां पर सी लगाऊं या आंसर में यहां डी लगाऊं, सजेशन नहीं है बी भी कटा, श्योरिटी नहीं है बिल गएगा, बिल कट जाएगा, शुड शुड मतलब सुझाव नहीं है बी कटा, लेकिन ये दोनों में से क्या लगा, सी या डी, फर्क क्या है, फर्क क्या है, मे लगाने से क्या फर्क है, माइट लगाने से क्या फर्क है, ठीक है। अच्छा माइट पास्ट है, माइट पास्ट है, क्या इसमें, क्या इसमें अरुणा रानी जी पास्ट टेंस का रेफरेंस है, मैं बोलता हूं शी, यही तो कंफ्यूजन है, यही तो कंफ्यूजन है मॉडल के अंदर, शी माइट बी कमिंग ओवर हियर, बताओ ये पास्ट है क्या, ये पास्ट है, शी माइट बी कमिंग ओवर हियर, अब शायद वो यहां पे आ रही होगी, क्या ये पास्ट है, ऐसा नहीं है, ये पास्ट तब होगा अगर वाक्य में पास्ट टेंस होगा, जब पास्ट का रेफरेंस मौजूद होता है तब ये पास्ट होते हैं, अदरवाइज इनका कोई पता नहीं होता, याद रखना मे आंसर यहां पे मे बनेगा क्योंकि मे प्रेजेंट की मॉडल है और इसका इसके काम होने के चांसेस ज्यादा है, इस काम के होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, प्रेजेंट मॉडल में बारिश होने के चांसेस ज्यादा है, मोर पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी। और जब आप ये पास्ट की फॉर्म्स लगाते हैं, पास्ट तो देखो ये यहां पे है नहीं, लेकिन वैसे मे का माइट पास्ट होता है, तो पास्ट फॉर्म्स हमेशा ही वीकर फॉर्म्स मानी जाती हैं, याद रखना, ठीक है, वीकर फॉर्म्स हैं, इस काम के होने के चांस कम है, लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्यों यहां पे मे क्यों लगा रहा हूं, कम संभावना क्यों नहीं है, क्योंकि सामने वाला बंदे ने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि भाई छाता लेके जा, हो सकता है आप घर से निकल रहे हो, आपके मदर आपको बोलते हैं कि बेटा अम्ब्रेला छाता लेके जाए यार, शायद बाद में बारिश हो सकती है, अगर ये कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होता ना इस वाक्य में, ऐसा आ जाए इट डैश रेन लेटर, तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि बारिश ज्यादा होगी बारिश कम होगी, तो आंसर दोनों हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है अरुणा रानी जी, यहां पर प्रेजेंट में ही लग रहा है माइट, ठीक है, जब तक टेंस पास्ट टेंस का रेफरेंस मौजूद नहीं है आप इसको पास्ट नहीं मानोगे, ये पास्ट माइट कुड वुड शुड, ये सारी जो भी आपको पास्ट लगती है, ये पास्ट तभी मानोगे आप इनको जब सेंटेंस में पास्ट टेंस का रेफरेंस मौजूद हो, आई वुड गो देयर, बताओ ये पास्ट है, आई वुड गो देयर ये पास्ट है, क्या ये पास्ट है, क्या ये वाक्य में वुड आप क्या बोलोगे पास्ट है, नहीं ये वुड इज नॉट पास्ट ओवर हियर, लेकिन अगर आप यस्टरडे लिख देते हो तो वुड सेकंड फॉर्म मानोगे, फिर पास्ट है ये, अगर आप यस्टरडे रेफरेंस होना चाहिए तब पास्ट होते हैं, तो यहां पे ये रेफरेंस दे रहा है हमें, यहां पे बंदा बोल रहा है, बंदा बोल रहा है कि भाई अम्ब्रेला लेके जा, ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा सी बनेगा, नॉट डी। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, लो समझ आया, ये मॉडल बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इस कंसेप्ट तो सा बस टेंथ कंसेप्ट बता दो, लास्ट क्वेश्चन है, दस ही थे बट इसमें ना एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज्यादा थी इसलिए मैंने क्वेश्चन कम रखे थे, एक आपको होमवर्क रहेगा, टेंथ कंसेप्ट बताओ सा बस, बी डी
ईशा कौशल जी ने डी बोला है और नीचे माधव शर्मा जी भी डी बोल रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं है डी आएगा, क्योंकि बेटा ये ना सिंपल सी बात है, विंटर्स में स्विमिंग करना, विंटर्स में स्विमिंग करने का सीरियस कौन हो सकता है? ठीक है, स्विमिंग कब करते हैं हम? समर में करते हैं ना, गर्मियों में। तो यहां पे ये है कि इसकी जरूरत नहीं है। यू कांट बी सीरियस अबाउट स्विमिंग आउटडोर्स इन विंटर, माइट मत करो, ये संभावना में लगेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सीधा बोल रहा है कि तुम सीरियस नहीं हो सकते, ठीक है, स्विमिंग आउटडोर्स इन विंटर में। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देना, बी आएगा आंसर, कोई बात नहीं करिए। ठीक है, वी आर रेगुलरली मॉनिटरिंग हिज वाइटल्स, ठीक है, तीन ऑप्शन है, चौथी ऑप्शन में नो एरर है, डॉक्यूमेंट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अभी आप हिंदी वाला सेशन लगा लीजिए, ठीक है, चलिए, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन कम थे बट एक्सप्लेनेशन ज्यादा थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन जानबूझ के थोड़े कम ही रखे थे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसका आंसर कमेंट कर देना प्लीज। थैंक यू।
सर ये मैंने यहाँ पे यहाँ से चैट स्ट्रीम कर दिया, बट आई गेस आई एम नॉट अवेलेबल देयर। हाँ जी हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। चलिए भाई, ईशा मैम कहीं नहीं गए हैं, ईशा मैम यहीं पर हैं। आपकी आज हिंदी की क्लास भी होगी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यहीं पर हैं और आज आपको व्याकरण के 20 प्रश्न हम करवा के ही छोड़ेंगे, पीछे नहीं हटने वाले, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलिए तैयार है सभी, 20 प्रश्न ही हमें करने हैं। लेकिन आज का दिन कौन सा है? 31 जुलाई। आज का जो है दिन है वो हिंदी साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तो इस सेशन का जो प्रारंभ है जरा वहीं से करते हैं। चाहे केवल 20 प्रश्न करने, लेकिन आप सभी प्रेमचंद जी को जानते हैं आप सभी प्रेमचंद जी को जानते हैं? आज इन्हीं का जन्मदिन है, मुंशी प्रेमचंद जी का। आज उनकी जयंती है 31 जुलाई 1880। 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। और आप सभी आएंगे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़कर बड़े हुए हैं, तो आप सभी ने भी प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियां जो हैं वो पढ़ी होंगी, ठीक है ना। इतने सारे साहित्यिक पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं, तो भाई आज का दिन तो ठीक है ना, इनके बारे में जानना बनता है। तो ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण दिन है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए तो फिर आज के जो प्रश्न है वो प्रारंभ करते हैं, लेकिन किससे? हमारे आखिरी वाले प्रश्न से। पिछली बार हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि जो दामोदर है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, जरा मुझे बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है? दामोदर किसका पर्यायवाची शब्द है? और जैसे स्टूडेंट्स ने दामोदर देखा था ना, मुझे याद है, मुझे अच्छे से याद है कि लास्ट टाइम कितनी जल्दी आपने गणेश चूज किया था, सी ऑप्शन, जो बिल्कुल गलत था। याद रखिए दामोदर जो है वो कृष्ण जी के लिए यूज किया जाता है और कृष्ण जी विष्णु जी के ही अवतार थे, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका ए ऑप्शन आएगा। तो देखिए जल्दबाजी में गलती मत करिएगा, हिंदी में भी मार्क्स जो है आपके काउंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मार्क्स, तो सिली मिस्टेक के कारण आप अपने नंबर मत कटवाइएगा, ठीक है जी। गणेश को लंबोदर कहते हैं, दामोदर नहीं, दामोदर विष्णु जी को कहा जाता है, इसीलिए आपको करवा रहे हैं अच्छे से। देखिए आज आपने फिर गणेश जी इसका सही उत्तर दिया, तो ये सभी ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, अब आज के प्रश्न जो है अब से प्रारंभ होते हैं, कुल मिलाकर हमें 20 प्रश्न करने हैं, तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए। त्रुटिपूर्ण शब्द में कौन सा समास है, बताइए जल्दी। त्रुटिपूर्ण शब्द में कौन सा समास आएगा? देखते हैं कौन कितनी जल्दी उत्तर बताता है। चलिए अरुणा का सबसे पहले आया, वेरी गुड। बाकी भी प्रयास करते रहिए भाई, क्योंकि टॉपिक वाइज तो हम आपको बहुत बार करवा चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि फिर आपको विषय भी अच्छे से पता होना चाहिए, जब मिक्स क्वेश्चंस आए तो कैसे करने हैं। तत्पुरुष, बिल्कुल सही, त्रुटिपूर्ण अर्थात त्रुटि से पूर्ण, त्रुटि के द्वारा पूर्ण या त्रुटि से पूर्ण, कुछ भी आप कह लीजिए। तो बेसिकली यहां पर करण तत्पुरुष समास आना था, करण तत्पुरुष, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि तत्पुरुष के 8 भेद होते हैं, तो करण तत्पुरुष आएगा, कर्म तत्पुरुष आएगा, कौन सा आएगा, सॉरी 6 भेद, तो इसीलिए यहां पे आपका करण तत्पुरुष आएगा कि त्रुटि के द्वारा पूर्ण। आगे देखिए, अनासक्त का संधि विच्छेद क्या होगा, अब बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका, जल्दी जल्दी। अनासक्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अजमा नासक्त, अनजमा असक्त, अनजमा आसक्त या फिर अनाजमा सक्त। ओहो सौरभ जी का, ओके। माधव, रितेश, सी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि आसक्त का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज के आदि हो गए, ठीक है ना, और अनासक्त मतलब कि आपको अब उस चीज की हैबिट नहीं रही, तो अनुपसर्ग आएगा इसमें, बिल्कुल सही, न के नीचे हलंत। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में संधि ही नहीं है, अब ये बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ना हर शब्द में संधि छांट लेते हैं कि मैम इसमें तो ये संधि हो सकती है, इसमें तो ये संधि हो सकती है, लेकिन हर शब्द में संधि नहीं होती, तो बताइए किस शब्द में संधि नहीं है, और जिनमें है ठीक है ना उनका प्रकार बताइए, कि आपको 20 क्वेश्चन के जरिए बाकी क्वेश्चंस भी मतलब और ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएं। जिन शब्दों में आपकी संधि है उनमें बताइए कौन सी संधि है,
चलिए थर्ड का डी ऑप्शन बिल्कुल सही, अनजाना। इसमें कोई संधि नहीं है क्योंकि अन अलग जाना अलग, काम खत्म। लेकिन बाकी तीन में क्या क्या है? सम्मुख में कौन सी संधि है, मनोहर में कौन सी है और सर्वोच्च में? जल्दी बताइए। सचिन, वेरी गुड, सचिन का बिल्कुल सही उत्तर। ए में है आपकी व्यंजन संधि, सम जमा मुख। मनोहर में है आपकी विसर्ग संधि, मनह जमा हर, मन को हरने वाला। और सर्वोच्च, अब जैसे मनोहर और सर्वोच्च दोनों में ओ की मात्रा थी, लेकिन सर्वोच्च में क्या है आपकी? स्वर संधि, गुण स्वर संधि। क्यों? सर्व जमा उच्च, तो अ और उ मिलकर ओ बनते हैं, तो यहां पर आपकी गुण स्वर संधि आएगी। तो इस तरीके से आपको सारी संधियां अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे देखिए, उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से असंगत शब्द छांटिए। सही उत्तर क्या आएगा? शिष्टता, उत्कृष्ट, खिंचाव या संबंधित। सही उत्तर क्या है बताइए। और यहां पर तो बहुत तेज वर्षा हो रही है, मैं आशा करती हूं वहां पर भी, मतलब कि वर्षा ठीक है ना, तबाही ना हो जाए, लेकिन अच्छी वर्षा हो जी। वेरी गुड इवनिंग जितने स्टूडेंट्स बाद में जुड़े हैं, जरा जल्दी से प्रश्न करना प्रारंभ करिए। चौथे प्रश्न पे हैं, कुल मिलाकर 20 प्रश्न करने हमें। चलिए, अब मोस्टली स्टूडेंट्स का फोर्थ का सी या डी, ऐसा क्यों? अब देखते हैं जरा एक बार। शिष्टता, यहां पे ता प्रत्यय है। उत्कृष्ट, यहां पे उत उपसर्ग है, यानी कि आपको पता चल गया पहले या दूसरे में से उत्तर हो सकता है। ओके, और जरा एक सेकंड का समय दीजिएगा अपने आप, अभी लाइट आ जाएगी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जुड़े रहिए। चलिए, सही हो गया ठीक है ना, अब उत्तर दीजिए, कोई ऐसी समस्या नहीं है। मैंने बताया ना एकदम से बहुत तेज वर्षा हुई, तो आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इश्यू। अब खिंचाव, खिंचाव में आव प्रत्यय है और संबंधित में इत प्रत्यय है। तो इस प्रकार से आपको सही उत्तर छांटने हैं। ना सी ऑप्शन था ना डी, करेक्ट ऑप्शन था आपका बी, क्योंकि बाकी सभी में प्रत्यय था, किसमें? केवल इसमें उपसर्ग था, याद रखिएगा। तो चलिए, डी ऑप्शन नहीं बी ऑप्शन है। उत्कृष्ट में उत उपसर्ग है, अनाकृष्ट, उत्कृष्ट, आकृष्ट, तो यहां पे कृष्ट मूल शब्द था, कृष्ट, कृष्ट मूल शब्द है, आकृष्ट, अनाकृष्ट, उत्कृष्ट, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आएगा यहां पर। आगे देखिए, उस जोड़े को छांटिए जो शेष से भिन्न हो। अब बताइए यहां पे युग्म में कौन सा भिन्न है? चलिए बताइए सही उत्तर फिफ्थ क्वेश्चन का। रितिश का सबसे पहले आया, वेरी गुड, परंतु थोड़ा सा गलत हो गया। माधव का सही है, सौरभ का भी और रीना का भी, बिल्कुल सही डी ऑप्शन आएगा आपका। क्यों? आर पार, परस्पर विलोम शब्द। आद्य अंत, आद्य मतलब कि आरंभ, ये भी परस्पर विलोम शब्द। आयात निर्यात, परस्पर विलोम, लेकिन प्रस्थान और गमन दोनों समानार्थी शब्द हैं, दोनों का एक ही अर्थ होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा। जी रितेश, हो गई ना गलती। आगे देखिए, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? जल्दी से बताइए। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इच्छा वाक्य? कि उस चित्र को उठाओ जो हुसैन ने बनाया हुआ है, जल्दी जल्दी। सिक्स्थ का ओके, सचिन का आया सबसे पहले उत्तर, अरुणा का, और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपका उत्तर। सौरभ गलत, सी ऑप्शन नहीं आएगा, बी ऑप्शन आएगा, मिश्र वाक्य। क्यों? उस चित्र को उठाओ जो, सबसे पहली बात तो जहां पे जो आ जाए ना, या जहां पे की आ जाए, याद रखिए 99.9% वो आपका मिश्र वाक्य ही होगा। ध्यान रखिए इस बात को कि उस चित्र को उठाओ जो, अब ये एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है,
ठीक है ना, तो जहां पे जो आ जाए, आंखें मतलब आंखें तो बंद करके नहीं, लेकिन 99% चांसेस है वो आपका मिश्र वाक्य होगा। आगे देखिए, जितने स्टूडेंट सी लिख रहे हैं गलत है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, दांतों तले उंगली दबाने का मुहावरे का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। दांतों तले उंगली दबाना, बहुत पछताना, चुप रह जाना, हैरान रहना या दर्द महसूस करना, बताइए सही उत्तर क्या होगा। ईशा संयुक्त तब होता है जब दो वाक्य बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। मैं बीमार हूं इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा पा रहा, ठीक है ना, दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, आप उसे इंडिविजुअल तरीके से अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अब जैसे मैं कहूं उस चित्र को उठाओ, ठीक है ना, ये तो अपने आप में फिर भी चलो अकेला है। अब अगर मैं कहूं जो हुसैन ने बनाया है, अब जो हुसैन ने बनाया क्या करना है उसका, तो उस चित्र को उठाओ जो, तो ये जहां पे संबंधवाचक सर्वनाम आ जाता है ना, एक और चीज याद रखिए, जहां पर भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम आ गया, ठीक है ना, वहां पर आपका हमेशा और हमेशा मिश्र वाक्य ही आएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोवत है वो खोवत है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, सारे मिश्र वाक्य हैं। चलिए सेवेंथ का है, दांतों तले उंगली दबाना हैरान रह जाना, कि छोटे से बच्चे को बड़े बड़े प्रश्न करते देख सबने दांतों तले उंगली दबा ली कि अरे ये क्या हो गया, तो यहां पे है हैरान हो जाना। ये मुहावरा है, आसान है, पेपर में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। आगे भिन्न उपसर्ग वाला शब्द छांटिए जल्दी से, आठवां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भिन्न उपसर्ग वाला शब्द, जल्दी जल्दी, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका एट्थ का, बी नहीं है, ए भी नहीं है, किसी का सही उत्तर नहीं आया अभी तक, ध्यान से, भिन्न उपसर्ग वाला शब्द, सौरभ का सही है, हाँ तो मौके पे चौका माना जानते हैं आप, निस्वार्थ, बिल्कुल सही, क्यों, निश्चल में आपका उपसर्ग आएगा निस, निस्संदेह में भी आपका उपसर्ग आएगा निस, और निष्काम में भी आपका उपसर्ग आएगा निस, लेकिन निस्वार्थ में आपका उपसर्ग केवल और केवल नी है, क्योंकि स्वार्थ अपने आप में मूल शब्द था, ओके, तो नी उपसर्ग था यहां पर, करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेरे घर के पास कोई बगीचा नहीं है, वाक्य में कौन सा अव्यय है, जल्दी से बता दीजिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मय सूचक, और नाम याद रखिए, क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब, ओके, संबंध बोधक अर्थात प्रेपोजिशन, समुच्चय बोधक अर्थात कंजक्शन, और विस्मय सूचक अर्थात इंटरजेक्शन। तो ये सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। नाइन्थ का बी ऑप्शन संबंध बोधक, बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पे मेरे घर के पास, ये जो के पास है ना, यही आपका संबंध बोधक है, संबंध बोधक जो संज्ञा या सर्वनाम का बाकी वाक्य के साथ संबंध बताता है, ठीक है, नाइन्थ का भी बिल्कुल सही। आगे देखिए, संज्ञा से बना विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, जल्दी से बता दीजिए, संज्ञा से बना विशेषण कौन सा नहीं है, टेंथ क्वेश्चन है, 10 प्रश्न अभी और बाकी हैं, जल्दी जल्दी कीजिए, डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ध्यान से दीजिए, टेंथ का सी बिल्कुल सही, जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है, क्यों, ध्यान से देखिएगा, नैतिक कैसे बनता है, नीति जमा इक, और एक बात मैं आपको और बताऊं, याद रखिएगा ये चीज, जहां पर भी आपका इक प्रत्यय आ जाए, याद रखिएगा 99.9% वो आपका विशेषण शब्द होगा, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक, वैयक्तिक, जहां पे भी इक प्रत्यय आ गया विशेषण शब्द है, उसी प्रकार नीति जमाइक, तो ये संज्ञा से बना विशेषण है, बिल्कुल है,
सामाजिक, समाज जमा एक, बिल्कुल संज्ञा से बना विशेषण है, मैत्री, मैत्री संबंध, मैत्री मतलब होता है फ्रेंडली, जैसे हम कहते हैं ना उससे मेरे बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस हैं, तो मैत्री किसे बना है, मित्र से, तो ये भी आपका संज्ञा से बना विशेषण है। लेकिन गंभीरता, ये ऑपोजिट है, ये विशेषण से बनी संज्ञा है। देखिए ध्यान से, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा गंभीरता, जहां पे ता प्रत्यय आ जाता है वहां पर आपकी भाववाचक संज्ञा आ जाती है। मनुष्यता, मानवता, गंभीरता, पशुता, उदारता, सुंदरता, सारे के सारे आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं, और गंभीर विशेषण है। तो यहां पे ऑपोजिट था, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए, किस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखनी है हर चीज, सिली मिस्टेक जरा सी होती है, मार्क्स आपके बहुत सारे कट जाते हैं। बताइए इन चारों में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण नहीं है। इलेवेंथ का बी, बहुत जल्दी बता दिया, जल्दबाजी नहीं करनी है, करनी है, स्पीड भी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, लेकिन नॉलेज सबसे पहले है। चलिए देखते हैं, वहां प्राय, वह प्राय यहां आया करते थे, प्राय मतलब अक्सर, तो ये आपका आ गया कालवाचक क्रिया विशेषण। वो कब कब आया करते थे, वो अक्सर आया करते थे, तो कब का आपको उत्तर मिला है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर मेरी बात ध्यान से सुनो, कैसे सुनो, ध्यान से, तो यहां पर आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। फिर वह अचानक चला गया, कैसे चला गया, अचानक, तो यहां पर भी आपका रीतिवाचक है, लेकिन नौकर मालिक से खुश रहता है, इसमें तो कोई क्रिया विशेषण ही नहीं है, काम खत्म, इसमें तो केवल संज्ञा शब्द ज्यादा है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए, ट्वेल्थ क्वेश्चन, इसके बाद केवल और केवल 8 प्रश्न बचते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अरे बारिश के और पंगे हैं, क्या करें। चलिए जल्दी बताइए ट्वेल्थ क्वेश्चन का आंसर। ए ऑप्शन, लेकिन क्या कहें अब, एकता, अंधकार, रोग, ये सारे तो भाववाचक हैं, रोग भी भाववाचक है, क्योंकि रोग ऐसे कहते हैं महसूस होता है, दिखता नहीं है, लेकिन शांत, ये आपका विशेषण था, ध्यान दीजिए। शांति जो है कि शांति यानी कि साइलेंस, वो आपकी भाववाचक संज्ञा होती, लेकिन शांत कि वो बहुत ही शांत व्यक्ति है, यह शांत रहो, तो ये विशेषण या क्रिया विशेषण हो सकता है, लेकिन भाववाचक संज्ञा नहीं, भाववाचक संज्ञा है आपका शांति। ओके आगे देखिए, किस विकल्प में दोनों शब्दों में एक ही संधि है, चलिए आ जाइए संधि के प्रश्नों पर, फिर से दोनों शब्दों में एक संधि होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। तपोबल और अन्योक्ति, निश्चल और निस्तेज, सत्संग और मनोहर, भावुक और विष्णु। चलिए वंदना का सबसे पहले आया, ओके देखते हैं कौन कितना सही उत्तर दे रहा है, देख रहे हैं सभी के कमेंट्स। माधव बिल्कुल सही, वंदना आपने सबसे पहले दिया था, वेरी गुड, और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे आपका क्या आएगा, विसर्ग संधि। निश्चल, निही जमा छल, और निस्तेज, निही जमा तेज, तो बिल्कुल सही, करेक्ट ऑप्शन आपका बी आएगा, तपोबल, यहां पे थी आपकी विसर्ग संधि, अन्योक्ति यहां पे थी आपकी गुण संधि, सत्संग यहां पे थी आपकी व्यंजन संधि, मनोहर यहां पे थी आपकी विसर्ग संधि, भावुक यहां पे थी आपकी अयादि संधि, और विष्णु यहां पर थी आपकी व्यंजन संधि, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन ही आएगा। आगे देखिए, उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है, जल्दी से छांट लीजिए, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, फिर से बताइए, उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है, विस्मृत, व्यापक,
उपासना या वात्सल्य? अच्छा खैर ये बता दीजिए, अगर मैं आप ही से सजेशन पूछूं, वेंसडे को आप किस टॉपिक पर क्वेश्चंस करना चाहेंगे? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन मैं आप ही के लिए करवा रही हूं, आप टॉपिक एक बार सजेस्ट कीजिए फिर मैं डिसाइड करूंगी। वेंसडे को आप किस विषय पर टॉप ये क्वेश्चंस करना चाहेंगे, जल्दी बता दीजिए जल्दी जल्दी। और मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने मेरा सैटरडे वाला एचपी पटवारी वाला सेशन अटेंड किया था जिसमें मैंने आपको साहित्य करवाया था, यकीन मानिए कि जो काल विभाजन वाला विषय है ना वो 5 लेक्चर्स वाला है, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैंने आपको एक ही सेशन में करवा दी, और उसके जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा उसे। संधि, चलिए ठीक है, ईशा कह रही है अलंकार, रितिश कह रहे हैं संधि, ओके लगता है फिर से वही। आप टॉपिक बताते रहिए, मैं मिक्स क्वेश्चंस ले आऊंगी उन विषयों पर। 14th का सी जो गलत है, क्यों? अब देखिए, विस्मृत में आपका वी उपसर्ग है, व्यापक में आपका वी उपसर्ग है, उपासना में आपका उप उपसर्ग है, लेकिन वात्सल्य में य प्रत्यय है। वत्सल जमा य, वत्सल जमा य वात्सल्य, क्यों? वत्सल मतलब क्या होता है? संतान के प्रति प्रेम, माता पिता और संतान के बीच में जो प्रेम होता है वो होता है वत्सलता। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, काटना का तत्सम रूप क्या होगा, बताइए, तत्सम तद्भव के प्रश्न ये भी पेपर में बहुत बार आ सकते हैं। आप जानते हैं चवर्ण, चवर्ण जो है ये किसका तत्सम रूप है? चबाना का, कि आप जो हम कहते हैं ना चबा चबा कर खाओ, चबाने का होता है चवर्ण, उसी प्रकार काटने का तत्सम रूप क्या होगा वो आपको बताना है। और बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आप वो सिलाई वाले के पास जाते हैं ना, दर्जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं इस कपड़े की कर्तन बची हुई है, कर्तन मतलब जो काटना, वो जो जो छोटे छोटे पीस होते हैं, तो वो फेमस हो गया कर्तन, तो काटने का तत्सम रूप होगा कर्तन। आगे देखिए, हम मतदान नहीं करेंगे वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम का प्रकार आपको बताना है जल्दी से। 4 प्रश्न, केवल और केवल 4 प्रश्न बचे हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। हम मतदान नहीं करेंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा? अरुणा बिल्कुल सही, वेरी गुड। कुसुम, रक्षित जल्दी बताइए, वंदना ध्यान से, सचिन बिल्कुल सही, रितेश फिर गलती, ए ऑप्शन आपका आएगा करेक्ट। इस पूरे वाक्य में केवल एक सर्वनाम था हम, और हम जो है वो आपका पुरुषवाचक में आता है, उत्तम पुरुष, जहां पर बोलने वाला इंक्लूडेड होता है, ठीक है ना, हम जहां बोलने वाला इंक्लूडेड है वहां पर सदैव आपका उत्तम पुरुष आएगा, याद रखिएगा, ओके जी। आगे देखिए, छ ट त फ, ये चारों ध्वनियों में क्या कॉमन है, जल्दी से बताइए, ये चारों महाप्राण है, अल्प प्राण है, अघोष है या सघोष है? इसे एक्सप्लेन कर देती हूं मैं। ये देखिए भाई, हम जैसे कि पुरुषवाचक में क्या होता है, बोलने वाला, सुनने वाला और एक तीसरा व्यक्ति। अब मैं, मेरा, मुझे, हमें, हमारा, हमको, ये क्या है? बोलने वाला अपने बारे में बोल रहा है, मे बी इंक्लूडिंग अदर्स, लेकिन अपने बारे में तो बोल रहा है ना कि हम मतदान नहीं करेंगे, जिसमें मैं इंक्लूडेड हूं, तो वो आपका हुआ उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन सा होता है? जो सुनने वाला है, तुम, तुम्हें, तुझे, आप, आपको, आपने, तुम्हें, तेरे को, ये सारे आपके मध्यम पुरुष हैं। और तीसरा आता है आपका अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, वो, यह, उसने, ठीक है ना, उसी ने, तो ये सारे आपके अन्य पुरुष आते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब बताइए, चलिए यहां पे आप कह रहे हैं डी ऑप्शन, कुछ कह रहे हैं ए ऑप्शन, देखते हैं। छ, सबसे पहले तो ये देखिए, च छ, छ जो है वो सेकंड कॉलम में, और सेकंड कॉलम वाला अल्प प्राण नहीं होता, तो सबसे पहले तो ए ऑप्शन कट। फिर जो सेकंड ऑप्शन वाला होता है वो महाप्राण तो होता है लेकिन सघोष नहीं होता, क्यों? सघोष में आपके तीसरा, चौथा और पांचवी पंक्ति आती है। अब बचे अल्प प्राण और अघोष। अब ट, ट पहले कॉलम में, पहले कॉलम वाला महाप्राण नहीं होता,
काम खत्म, अघोष आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि अघोष में आपके पहले और दूसरे कॉलम वाले आते हैं। तो देख लीजिए सारे, पहले और दूसरे कॉलम वाले ही हैं। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही दिया है, और आई गेस ये माधव और रितेश दो स्टूडेंट्स ने दिया था, बिल्कुल सही। तो ध्यान दीजिए, ऐसे आपसे उत्तर पूछे जा सकते हैं। आगे देखिएगा, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित होता है? कंठे, तालव्य, मूर्धन्य या ओष्ठ? जल्दी से बताइए। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित होता है, उसका उच्चारण स्थान? कितनी जल्दी आया सचिन का, वेरी गुड, और आंसर सही भी है आपका, गलत नहीं है। विसर्ग का मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं अतः ह, तो विसर्ग बेसिकली ह की ही ध्वनि है, वो स्वर यंत्री होता है, उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन आएगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए, हाथापाई शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा है, शब्द युग्म है, क्रिया है या अव्यय है? अच्छे से बताइएगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हाथापाई कौन सा शब्द है? ओह, रीना का बहुत जल्दी उत्तर आया, ओके देखते हैं चलिए कितना सही है। हाथापाई, सौरभ बिल्कुल सही, मैं जानती हूं आपको तो मौके पर चौका मारना ही है, मैं समझ रही हूं बिल्कुल, आप भी मजे लेते हैं क्वेश्चंस के, अच्छी बात है। मगर रक्षित ध्यान से, अब देखिए मेन बात क्या है, जब भी आपको ये प्रश्न है ना व्याकरण की दृष्टि से, एक सबसे सिंपल वाक्य, ये एक सबसे सिंपल काम क्या आप कर सकते हैं, वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, वाक्य में प्रयुक्ति। अब मैं कहती हूं दो गुटों के बीच हाथापाई चल रही है, हाथापाई क्या है, एक भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये क्या है, लड़ने की अवस्था, लड़ने की अवस्था या दशा, कुछ भी कह लीजिए आप, तो किसी भी अवस्था या दशा का नाम संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। जैसे मैं कहती हूं इस हाथापाई को रोको, तो हाथापाई क्या है कि लड़ाई करने का भाव, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा आएगी, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा, किसी को नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, किसी को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हाथापाई आपकी एक, ठीक है ना, संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा, लड़ने का भाव, जैसे हम कहते हैं ना कि अरे भाई जल्दी जाओ वहां पे हाथापाई चल रही है, तो हाथापाई तो ये एक संज्ञा है, एक स्थिति है, कि एक स्थिति वहां पे चल रही है, ओके। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़कर जाएंगे, वे मेहनत तो बहुत करता है पर उसे सफलता नहीं मिलती, ये वाक्य का कौन सा प्रकार है? जल्दी से, वह मेहनत तो बहुत करता है पर उसे सफलता नहीं मिलती, ये वाक्य का कौन सा प्रकार है? हाँ सचिन जी फिर बहुत जल्दी में रहते हैं, लेकिन इस बार भी आपका उत्तर सही है। कुसुम, रेनु बिल्कुल सही उत्तर आपका, संयुक्त वाक्य ही है ये, क्योंकि वह मेहनत बहुत करता है, बिल्कुल सही, उसे सफलता नहीं मिलती, इंडिपेंडेंट वाक्य, तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस पर समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़े गए हैं, तो ये आपका संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल सही आपने बताया। अब जिससे उससे पहले कि मैं आपको आखिरी प्रश्न दिखाऊं, मुझे जरा जल्दी से बता दीजिए, परसों आप किस विषय पर क्वेश्चन करना मतलब पसंद करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए, एक मिनट का समय आपके पास, जल्दी से बता दीजिए। और तब तक के लिए चलिए देख लीजिए, पंचदश, इसका अर्थ क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर आपको, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना है। अलंकार, चलिए कुछ तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम अलंकार पे प्रश्न करने हैं, ओके, और कुछ कह रहे हैं संधि पर, चलिए ठीक है ये भी मान लिया, वाक्य पर भी, ओके, वाक्य, अलंकार, संधि, चलिए देखते हैं, क्योंकि 20 प्रश्न करने हैं, पांच पांच प्रश्न करके चार टॉपिक पर ले आएंगे। चलिए तो इसी के साथ ये वाला सेशन यहीं पर समाप्त होता है, काफी समय से आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा,
बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते फिर नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए जी, थैंक यू सो मच।